بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. जैसे अब हम एक घर में तीनों बीमार थे, ठीक है ना, और हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी सिवाय एक मेड की. अब इट्स नॉट अ फाइट, ये कोई डिबेट नहीं है कि कौन ज़्यादा थका हुआ है, सही है, या औरत ने पूरा दिन घर में काम किया है. ये आप इस डिबेट में से जब निकल जाओगे ना कि मैंने क्या किया तो तुमने क्या किया, और आप उसको एज अ ह्यूमन लोगे कि अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, तो आप एक मिनट के लिए उसकी जगह पर जाके देखो कि अच्छा यार ये क्यों कह रहा है, सही है, ये इंसान है, अच्छा इसने सुबह से, और उसने एक सर्सरी से जिक्र भी कर दिया कि अच्छा जी मेरी 6 घंटे की मीटिंग थी, फिर उस मीटिंग में ये बहस हुई, फिर ये क्लाइंट को ये चाहिए था, फिर फलां ये हुआ, फिर बॉस ने ये कहा, फिर फलां बंदे ने ये कहा. आप एक मिनट के लिए अपने आप को उसकी जगह पर रखो कि बाय दी एंड आपने फिर भी घर में अपने कम्फर्ट जोन में अपनी मर्जी से उठ के खाना ही बनाया ना, ठीक है. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आके आपको गले लगाता, ठीक है ना, आपके माथे पे एक किस देता और फिर वो कहता कि ओ हाँ वो डार्लिंग कैसी थी आप, ठीक है ना, क्या किया सारा दिन आपने, ठीक है ना. वो बेचारा जो डार्लिंग कहने वाले है वो खुद बेचारा थका हुआ आया है, तो वो किस उसको भी तो चाहिए हो सकती है, ठीक है. तो पॉइंट आ जाता है, हमेशा ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेट चीज़ें इसलिए की हैं. मैं एक बात हमेशा कहती होती अपने लिए, तो मुझे ईजी जो लगता है ना चीज़, जब मैं इन चीज़ों में फंस जाती हूँ, मुझे ईजी ये चीज़ लगती है कि मैं चीज़ों को रिश्तों में डिफाइन नहीं करती, सही है ना. अगर मैं जब मैं रिश्ते को टैग लगा देती हूँ ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना. फिर एक सास की एक पिक्चर है मेरी नज़र में, एक नंद की पिक्चर है, एक हस्बैंड का एक इमेज है, एक बहन भाई का ये रोल है, पेरेंट्स का ये रोल है, लेकिन द मोमेंट मैं कहती हूँ अच्छा यार ये इंसान थे, ओहो अच्छा बींग ह्यूमन, तो यहाँ पर एरर आ सकता है, बींग ह्यूमन इंसान का दिल नहीं कर सकता, बींग ह्यूमन ये गलती हो सकती है, तो वहाँ पर आप स्पेस देना शुरू कर देते हो, फिर आप इंसान को इंसान समझो बस, ठीक है. रिश्ते में डिफाइन नहीं करो, रिश्ते में जब जब करोगे ना, तो वो शोहर को बीवी से बड़े गिले होंगे और बीवी को शोहर से बड़े गिले होंगे, क्योंकि दोनों की अल्लाह के फजल से दोनों ही एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस में कभी पूरे नहीं उतर पाए, ठीक है. क्योंकि जो कम्फर्ट हस्बैंड को बीवी से पहले अपने घर में मिलता है, क्योंकि माँ लाड उठा रही होती है, बहन भाई लाड उठा रहे होते हैं, सही है, आपकी डिस्पोजल पे होता है, उसने कभी घर में, जैसे लड़कों ने तो ये भी नहीं देखा होता कि कपड़े कहाँ फेंके हैं, टॉवल कहाँ फेंका है, और माएँ ऐसी पालती हैं हमारे यहाँ यहाँ पे, ठीक है. इसी तरह लड़की है तो उसको भी माँ इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि वो उसे होता है कि मतलब इसे कभी ना कभी चली जाना है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्राइटेरिया पर कभी पूरे नहीं उतरते, क्योंकि उन दोनों को वो कम्फर्ट, अब असल में वो दोनों इंडिविजुअल हैं और उन दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, और वो समझ रहे होते हैं कि अब भी कोई मामा बहन एक्सेट्रा बंदा आएगा और वो अब वो उसके पास वो रिश्ते अवेलेबल नहीं है, क्योंकि घर वाले भी कह देते हैं कि बेटा अब आप शादीशुदा हैं, ये बात कह देते हैं, ठीक है ना. अब वो आपकी डिस्पोजल पे नहीं होते कि आप जब मर्जी मामा को आवाज़ दे दें, जब मर्जी कह दें, लड़का भी लड़की भी, ठीक है, इसलिए अब वो घबरा जाते हैं, ठीक है ना, कि ओहो हो हो पहले तो इतने लोग थे ये काम करने के लिए, अब हम दोनों हैं. वो जब आप दोनों एक दूसरे की चीज़ें करना शुरू करते हो ना, असल प्रैक्टिकल शुरू होता है, पहले आप नहीं कर रहे होते, सही है, आप कह रहे होते हो मैं कितना अच्छा हूँ, नहीं, पहले तो आपको इतने लोग एड कर रहे थे, आपकी मामा एड कर रही थी, आपकी मामा 10 काम आपके कर रही थी, आपकी मेड्स कर रही थी, आपके बहन भाई कर रहे थे, आपके दोस्त कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर रही थी, आपकी असल परफॉर्मेंस अब शुरू हुई है, ठीक है. वहाँ पर आप असल में ख़ुद फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, आपको अपनी ही ज़ात का वो रूप पता चलता है कि अच्छा मैं इतनी भी कनिंग हो सकती हूँ, मैं इतनी जेलस भी हो सकती हूँ, मैं इतनी बदतमीज़ भी हो सकती हूँ, मैं इतने इतने अंदर मूड भी बना सकती हूँ. वो जब चीज़ आपको पता लगती है ना, तो फिर आप एकदम से घबराते हो. तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आप हमेशा एक ही बात को ना एक ही तराजू में नहीं तोलते हर चीज़ को. और दूसरी चीज़ ये कि एक और नसीहत है कि कभी किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर अपने आप को जज नहीं करना. हर रिश्ता डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट है, हर एक की किस्मत डिफरेंट है, हर एक का नसीब डिफरेंट है. आप मेरे से सुनोगे, इससे सुनोगे, इससे सुनोगे, ठीक है ना, कभी भी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज सर्कमस्टांसिस बहुत डिफरेंस है, सही है. और समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ दी होती है, लेकिन आप दूसरे की तरफ देखने में इतने बिजी होते हो कि आपको वो अपनी जो बेहतरीन चीज़ होती है ना, आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, ठीक है. और वो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती होती हूँ कि कभी किसी के घर चले जाओ,
अगर आपको कुछ लोगों को जी दूसरे की बीवी बड़ी अच्छी लग रही होती है, वो देखो ना वो कितनी अच्छी लगती है, वो ऐसे तैयार होती है, वो ऐसे करती है, उसने बड़ा अप टू डेट रखा हुआ, उसका घर देखा था, खाना वो कितना अच्छा बनाती है, इस बंदे को ज़रा छोड़ दो उसके दो हफ्ते उस लड़की औरत के पास, ये इसने तौबा करके घर आके ना कहना कि मेरी अपनी अच्छी है। इसी तरह बीवी को भी वो जो कह रही होती ना, वो उसको देखा ना वो अपनी बीवी की कितनी तारीफ़ें कर रहा था, ठीक है अब वो इसको भी छोड़ दो ना, ये भी तौबा कर करके वापस आएगी। क्यों? सही है, क्योंकि रब ने जो आपके लिए बनाया हुआ ना असल में वो बेस्ट था, वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग वो चीज़ थी, ठीक है। आपको बस जब तक आप अपने आप में से निकलते नहीं हो ना, अपने स्टैंडर्ड्स नहीं ना बनाए आप अपने, ठीक है। ये दुआ ने आपको सरेंडर करना सिखाया हुआ है ना, करें सरेंडर। जब एक चीज़ रब ने चूज़ की है, ठीक है, उसके अंदर फिर खामी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। बिसाइड्स ये कि वो रब का, वो भी एक रब की मखलूक है, फिर आप उसकी रब की मर्ज़ी मान रहे हैं तो फिर उसको माने, आप माने फिर अब उसमें से आप पहले उसकी मर्ज़ी मान तो लें ना, पहले होल हार्टेडली एक्सेप्ट तो करें, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आसानियाँ भी होना शुरू हो जाएंगी। अब आप अपने क्राइटेरियाज ना बीच में रखें, ये जो आपने अभी बात की है ना कि मतलब नहीं फिर वो ये करे, ठीक है ना, ये दिस इज़ योर क्राइटेरिया ना, ये आपने पैरामीटर पहले ही सेट कर दिया हुआ है, तो फिर आप रब के आगे सरेंडर तो नहीं है, ये तो आपकी लिस्ट है पहले से ही, ठीक है। अब वो लिस्ट चेकलिस्ट करते जो, वो लिस्ट पे पूरा नहीं उतरेगा तो आप कहोगे कि ओहो ये तो बंदा ही नहीं अच्छा, ये मुझे क्या ले दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो वो नहीं है, आप अपने पैरामीटर छोड़ दे, आप गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चलो, आप ऑनेस्ट रहो, आप अपनी नीयत अच्छी रखो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली कि मैंने हमेशा अपने केस को इसलिए रखती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास अपना एक्सपीरियंस होता है। मैंने ऑब्जर्व किया अपनी सराउंडिंग में कि आप मतलब आप उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आप लोगों को शो कराते हो कि मैं जिसकी भी स्टोरी सुनूंगी ना, वो कहेगी, औरत कहेगी मैंने बहुत एफर्ट की अपनी शादी में। यकीन करो उसके घर जाके देखो ना, जाते ही आपको पहले घंटे में 10 बातें ऑब्जेक्शनेबल नज़र आ जाएंगी कि अच्छा यार ये भी काम तुमने नहीं किया, ये भी नहीं किया, यहाँ पे तुमने इस तरीके से बिहेव किया, आपको फ़ौरन नज़र आ जाती हैं, बड़ा रेडीली नज़र आ जाती हैं, और आप कहते हो कि यार फिर बाजी आपने मेहनत किस चीज़ पर की है। सही है, वो मेहनत आप अपनी कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे हमेशा एक बात मैं कहती होती हूँ कि लोगों को किसी को वो चीज़ दो जिसको चाहिए। आप हो सकता है किसी के लिए 1,00,000 रुपये का गिफ्ट लेके जाओ, लेकिन हो सकता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक हग चाहिए थी प्यार की, आप वो हग नहीं दोगे, ठीक है ना। और आप कहोगे मैंने सुबह से लेके गर्मी में खड़ी होके ना तुम्हारे लिए खाना बनाया, उसके लिए वो खाना मैटर ही नहीं करता। पहले आप ये देखें कि आप वो एफर्ट वो कर रहे हैं जो अगले को चाहिए भी है, ठीक है ना। ये मसला है सिर्फ, ठीक है। जब आप ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर आप इतना हाईलाइट नहीं करेंगे कि खाना ये तो वो तो बहुत पेटी बातें हैं। आजकल की जनरेशन जिसको भी सुनो वो एक ही बात हो रही है, खाना पकाना है, मतलब अल्लाह माफ़ करे खाना आधा घंटे की बात है, वो भी आजकल हर घर में मेड्स हैं, खाना बनाता कौन है खुद से, हांडी में मेरे ख्याल में मैं तो सिर्फ एक चम्मच चलाती हूँ, एंड में मेरी मेड हर चीज़ बना के रखी होती है उसने, और बस मैं एंड में जाती हूँ, वो मैं मिक्स करती हूँ, उसके बाद ही मैं आँच हल्की करके बाहर आ जाती हूँ कि अब मुझे इतने मिनट के बाद मुझे बता देना, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ। डिफरेंस आपके घर में भी हेल्प है ना, कर देती है, तो फिर आप क्या कर रही हैं, इंतज़ार कर रही थी शोहर का बैठ के घर में सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, सही है। तो वो आपने भी क्या किया है उसके लिए, ठीक है। तो वो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ आप रोल्स को बहुत ज़्यादा ना वो कर देते हो, मतलब आपने एक टैग्स लगा दी हमें, ठीक है। ह्यूमन को ह्यूमन रहने दो, इंसान आप ह्यूमन लेवल पर जब भी आओगे तो आप उस इंसान को हमेशा जस्टिफाई करोगे, ठीक है, कि यार ये भी इंसान है, चाहे वो आप बीवी हो चाहे वो शौहर हो, वो हमेशा एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे कि अच्छा हाँ वाकई। अगर एक बंदा कह रहा है कि अच्छा यार इस टाइम मेरा मूड नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए ना कि यार इसने ये बात क्यों की है, मतलब ये सुबह से इसकी क्या रूटीन थी। ये आपको सबसे पहले तो फिक्र से ये पूछना चाहिए कि भई मतलब तुमने ऐसा कभी कहा नहीं है तो आज खैरियत है, क्या हुआ है, सही है ना। अगला गिला क्या आता है, बीवी कहती ओहो देखा ना मैं तो जब भी कहती हूँ ना तो आगे से इनको यही जवाब होता है, ठीक है। तो हम में से ये सिर्फ ऐसे इस रिलेशन में नहीं, हम वैसे ओवरऑल भी कभी भी लेट्स सपोज अगर मैंने आपको किसी बात पे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, सही है, अगर मैं यूजुअली आपके सामने अच्छी होती हूँ या चले मैं दुआ में आई हूँ, मैं अगर बोलती नज़र आती हूँ लेकिन एक दिन मैं खामोश हूँ और उस दिन मैंने आपको रूडली जवाब दे दिया, तो आप क्या परसीव करोगे। मेरे ख्याल में मैं अपनी मिसाल तो मैं आपको दूँ तो मैं यही परसीव करूँगी कि यार मतलब तमीज़ नहीं है इसको बात करने की ना। अच्छा मैंने उसके 99 डेज़ इग्नोर किए हैं,
ठीक है ना, आई शुड बी वरीड अबाउट कि यार ये बंदी ऐसे नहीं करती, ये इसकी आदत नहीं है, तो आज क्या हुआ इसको ऐसे कि ये इसने ऐसे किया है। ठीक है, हमारे पास ये इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि आपको आप पीछे थोड़ा सा एक दिन उसको ऑब्जर्व करो कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों किया है। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग तो हम नहीं जानते। हाँ, चाहे हम अच्छे दोस्त हों, चाहे हम इस रिलेशनशिप में हों, चाहे हम बहन भाई हों, चाहे एक औलाद और माँ बाप का रिश्ता, यूजुअली आपकी जितने गिले हैं, एक पेट जुमला आप यहाँ पे भी लोगों से जितने लोग नए आते हैं उनसे सुनते हो ना कि मुझे तो आज तक कभी कोई समझ ही नहीं सका। ठीक है, आपने कितने लोगों को समझा? अगर आपको कोई इंसान जो है आपका दोस्त अगर बदतमीजी करता है फ़ोन करके, आप उसको एक्सेप्ट करते हो एज इट इज़? नहीं करते ना। ठीक है, तो फिर आपने भी तो नहीं ना समझा उसको। ठीक है, तो फिर आपकी बदतमीजी भी ऐसी ही एक्सेप्ट होगी, आप भी, आपके ऊपर भी बदतमीजी का ही टैग लगेगा। ठीक है, जिस दिन आप रब की मखलूक को वो स्पेस देंगी ना, तो यकीन करो कि रब कहता है ना कि मैं एक के बदले 10 कदम चलता हूँ या मैं आपको उसका रिटर्न देता हूँ, इसी तरह हर रिश्ते में आपको रब उस तरह से नवाजना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से उस तरह से नवाजेगा कि आपकी भी बात, आप कहीं हार्श हो जाओगे, आप कहीं रूड हो जाओगे, और वो उस तरह से आपको जो है वो कॉम्पनसेट करेगा और वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, कहीं से आपको डांट पड़ती है ना, तो वहीं पे अल्लाह ताला तो इतना प्यार करते हैं कि वो आपको फ़ौरन से किसी ना किसी सूरत में ना आपको कहीं ना कहीं से फ़ौरन प्यार मिल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ कि हम इंग्लैंड में ना एक जगह पे गए थे, बीच वाली साइड थी, 2 घंटे की ड्राइव थी, तो वहाँ पे निकलते ही कोई हमारी नूर की मेरी ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई, और नॉर्मली यही होता है जो सही है वो गलत, सॉरी ये वो, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चाहती थी बात ख़त्म हुई, मैं खुश बहुत ही समंदर वाली जगह पर आके, तो मैंने उससे ना मना लिया, हालाँकि मेरी इतनी गलती नहीं थी, तो मैंने पकड़ के मना लिया, ये कर लिया। वापसी पर कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि जाते जाते ना एकदम हमारी गूगल मैप हो गई, पता नहीं किसी और रास्ते से ले गई, आई swear to God, I'm not lying, वो रास्ता ना एकदम मुझे लगा खुदा की कसम जैसे आप जन्नत में आ गए हैं, वो एकदम रास्ता था, वो पहाड़ियाँ और गार्डन्स एंड जैसे अल्लाह ने जन्नत बयान की हुई है ना, वो इट वॉज़ दैट फॉर लाइक 5 मिनट्स वी वर देयर एंड वो ऐसे जा रही है सड़क और गार्डन्स और पहाड़ियाँ और वैले और एक जन्नत का एरिया था, एंड आई जस्ट फेल्ट द आंसर कि अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, कि ना गलती होते हुए भी कि मैंने सुलह की तरफ बढ़ाई की, तो अल्लाह ताला का वो इनाम था कि ये देखो ही वॉज हैप्पी विद मी, एंड आई ऑलवेज से कि मेरे तो छोटे छोटे मिरेकल्स मिलते रहते, तो बाकी जैसे सर भी कहते हैं कि हक पे रहते हुए भी अपनी बात छोड़ें तो अल्लाह ताला गेट्स हैप्पी एंड आपको फ़ौरन इनाम मिलता है। एक्चुअल में तो आपको इनकरेजमेंट मिली है ना, इनाम मिला, मतलब एकदम जन्नत। मुझे एक चीज़ ये समझ आई है कि जब पहले बात हो रही थी मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ी अजीब सी ये बात थी, ना मेरा माइंड था ना कुछ भी नहीं था, तो मैं बहुत रोई, डिस्टर्ब भी रही, घर वाले भी मेरी वजह से जाहिर सी बात है बहुत डिस्टर्ब हो गए, फिर मैंने बाबा को भी बहुत सताया, लेकिन मैंने देखा कि वो खामोश थे, मुझे कह रहे थे बस अच्छा देखो क्या होता है, अच्छा तुम अली हक कर लो, अच्छा परेशान हो, वो मुझे प्यार ही दे रहे थे, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि बाबा आप मुझे कहें कि बस छोड़ो दुआ इनको, मैं समझा दूंगा, बात ख़त्म करते हैं, मेरे माइंड में ना यही बात थी कि बाबा ने ना ये सारा कुछ कह देना है, तो इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते मैंने बहुत सब पछताया, ये मुझे पता है कि घर वाले थक गए एकदम, मुझे ऐसे लगा मुझसे, फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, फिर मैंने ना परेशान होके दुआ की, बहुत ज़्यादा परेशान थी उस रात, ना मैंने बाबा को तंग किया, मैं कहा नहीं मैंने उन्हें भी कुछ नहीं कहना, मैं घर क्या रही हूँ, मैं इतने सालों में दुआ में आके मैं क्यों झगड़ रही हूँ और अब आके झगड़ रही हूँ, ठीक है पहले घर में लड़ाई होती है लेकिन मैं सही हो जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रही और मैं उल्टा उनके ऊपर, जब मैं दुआ की ना तब मुझे समझ आई कि मैं अल्लाह के आगे सरेंडर नहीं कर रही, तो उस रात मैंने फिर अल्लाह पे छोड़ा, और मुझे नहीं था पता कि ऐसे भी हो जाएगा, मुझे खौफ जो था ना कि यार नहीं मुझे बाबा छोड़ने ना पड़ जाए, मुझे वो ये एक ये बात भी कि तुम तो पहले बीमार थी, मुझे ये कोई कह दे और तुम कैसी हो, अजीब सी हो, और इस तरह की बातें जो थी ना मेरे माइंड में थी, लेकिन जब मैंने अल्लाह पे छोड़ा ना तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा कि मेरी हर चीज़ कबूल हो जाएगी, कि नहीं मुझे यही चीज़ पसंद है तुम्हारी, कि सच बोला गया और तुमने छुपाया कुछ नहीं,
और मुझे इस तरह कवर किया कि मैं हैरान रह गई। और फिर मुझे पता चला कि जब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा है ना, और मैं पीछे हट गई। पहले मुझे था जो मैं परेशान थी ना, मुझे यही जवाब मिला, मैं पीछे नहीं हट रही थी, मैं डट के मुकाबला कर रही थी, घर वालों से झगड़ रही थी कि बस ये बात ही ख़त्म हो और मेरी जान छूटे ना, ना मेरी बाबा सुन रहे हैं, ना मेरी बाबा प्यार ही दे रहे थे ना, उन्होंने मुझे डांटा नहीं। कभी कभी मुझे खौफ आया भी कि यहाँ बाबा मुझे अच्छा खासा डांट देंगे, और बाबा की डांट तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगी, ये भी दिल में होता था, और कॉल मिला देनी। लेकिन बाबा ने उल्टा प्यार से ही मुझे कहा, नहीं तुम ये कर लो, बस अल्लाह है ना, तुम परेशान ना हो, अच्छा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए ये बड़ी बात थी। लेकिन मैंने बाबा को ये नहीं बताया था कि बाबा मुझे खौफ क्या है। बाबा पूछते रहे मुझसे, अच्छा बेटा बताओ बात क्या है। बाबा कुछ नहीं, बस ठीक है अल्लाह हाफिज़, भाग जाना। तो घर वाले भी पूछ रहे थे, फिर मुझे ऐसे फील होता था कि शायद मैं गुस्सा कर रही हूँ और मम्मा डबल गुस्सा कर देती हैं ना, मुझे मम्मा मेरी बात को सुन रही हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। लेकिन वो सुनता है, मैंने ये देखा है। मैंने जब जब सबसे अलग हो के थक हार के उसको पुकारा है ना, उसने मेरी सुनी है, और वो इस तरह उसने सुनी है कि मुझे फिर ऐसे वो कर देता है कि बस तुम ही हो। मैं उसको कहती हूँ कि तुम ही हो, और ऐसे हर चीज़ वो करता है कि तुम ही हो। इतना उस पर मुझे फिर प्यार आ रहा होता है कि यार अलमिया आप ये कर क्या रही आप मेरे साथ, फिर मैं सर ही ना चढ़ दूँ। मैं अलमिया से भी ये कह देती हूँ कि यार अलमिया मैं सर चढ़ जाऊँगी, आप क्या करें। लेकिन उसमें यही है कि उस पर छोड़ा, अगर मैं उसी में थोड़ा सा भी ख्याल भी गुजर जाए ना कि ये ऐसे है, तो फौरन पकड़ता है, वो कहते हैं ये क्या कर रही हो। जब मैं हूँ, एक बात मैं अक्सर बाबा से कहती हूँ कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ ना, तो मुझे एक आवाज़ सी आती है कि मैं हूँ ना, तो मुझे ये सॉन्ग जो है ना, इसमें मुझे ना अलमिया ही मिलते हैं। मैं ये सॉन्ग सुनती उन्हीं के लिए हूँ, और बस जब मुझे उन पर प्यार आ रहा होता है तभी मैं सुनती हूँ ये सॉन्ग। तो मुझे ऐसे लग रहा होता है मुझे बार बार कह रहे हैं आ जाओ मेरे पास, मैं हूँ ना। तो इन दिनों जब मैं परेशान थी, ये सॉन्ग जैसे ही आता था मेरे पास, मैंने फ़ौरन बंद कर देना, मैंने सुनना ही नहीं है, क्योंकि मैं उस पर छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, या मैं अलमिया से भी शायद छुप रही थी। तो काफ़ी दिन मेरी जंग रही, फिर मैंने कहा कि ठीक है आपसे भी लड़ाई हो गई, अब आप भी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन दुआ इतनी प्यारी है ये सिस्टम, कि जब दुआ की, पहले भी मैं कर रही थी लेकिन वो दुआ नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि मेरे अंदर जो चीज़ चल रही थी, जो शोर था, और मैं अक्सर बाबा से ये कह रही थी, बाबा मेरे अंदर एक शोर है, क्यों है? जब दुआ में आके अल्लाह है और वो सुकून है, तो अब क्यों आके इस टाइम पे मेरे अंदर वो शोर आया है? तो मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला जब तक मैंने उस पर नहीं छोड़ा। हाँ जी, वो क्योंकि मैं अपना आप मनवा रही थी और सबसे मुकाबला कर रही थी, लेकिन सबसे नहीं करना होता, ख़ास करके मामा से तो बिल्कुल नहीं करना होता। डांट भी उल्टा पड़ती है और एंड पे माननी भी उन्हीं की होती है, क्योंकि वो वही बता रही होती हैं जो अलमिया खुद कह रहे होते हैं मुझे। अलमिया सिर्फ आपको थोड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो कर ही रहे होंगे ना, उनके दिल में भी कोई फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट है। हम्म, वो अपनी औलाद के लिए उनको भी डायरेक्ट कर रहे होंगे कि जो उनकी औलाद के लिए क्या बेहतर है। और मम्मा मुझे बार बार कह रही थी कि बेटा तुम्हारी नेचर, चलो मैं तो जानती हूँ ना, मुझे पसंद है। और मैं कह रही थी कि यार मम्मा अच्छा ठीक है, मैंने ना, अच्छा ये बात बड़ी ये थी कि मिलना है, मैंने एक दफ़ा उसे मिलना है, मैंने देखना है। और हमारे डीजी खान में ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मम्मा ने जब मेरी कंडीशन देखी तो कहा अच्छा ठीक है। फिर भी मुझे ये था कि ये नहीं मिलने देंगी, तो फिर मैंने फिर अलमिया को पकड़ा। मैंने कहा अलमिया देखिए, अब मैं ना बात कर रही हूँ सरकार से, अब मेरा काम हो जाना है, मुझे पता है। तो जब इन लोगों ने, मुझे ये बड़ी बात थी कि मेरे मामू मुझे रूम में बिठा के जा रहे हैं, ये लो बात कर लो, और मैं खुद ही कह रही हूँ कि नहीं यहाँ मम्मा रुकेंगी, यहाँ फैमिली रुकेगी। तो मैंने जब उससे बात की, मुझे नहीं पता था कि मेरे मामू भी इस तरह कह के चले जाएंगे कि यार बेटा बैठो, तुमने मिलना था तुम मिल लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी हमारी फैमिली में, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे उस दिन ही जवाब मिल गया, उसे मिलते ही, कि नहीं इसको अलमिया ने मेरे लिए भेजा है। तो जब मैंने छोड़ा, पहले तक मेरी बड़ी जंग थी अलमिया से, बहुत ज़्यादा थी। बस यही चीज़ मैंने सीखी है कि मैं, हम कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं अलमिया पे, हम दुआ भी जब करा रहे होते हैं ना किसी को, तो हम उसको भी यही आगे से मैं कह रही होती कि यार छोड़ो परे, अलमिया पे छोड़ दो, अल्लाह है ना, क्यों परेशान होते। कभी कभी हम अपने मामलों में अल्लाह पे नहीं छोड़ रहे होते, और कभी कभी,
अक्सर ही होता है, अक्सर ही, हाँ जी अक्सर ही होता है। लेकिन फिर ये सिस्टम इतना प्यारा है जब हम दुआ करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि पानी पकड़ा दुआ की हम मान गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हम अगले को कह रहे होते हैं, मैं फ़ोन पे दुआ करा था कि अच्छा ये मसला है तुम दुआ करो अभी फ़ौरन हल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि मुझे अंदर से पता होता है ऐसा कुछ भी नहीं होना, तो दो दिन बाद मुझे कॉल भी आ रही होती कि नहीं ऐसा नहीं होनी, आप देखें दोबारा अल्लाह मियाँ के आगे पेश होना, छोड़ दें अल्लाह मियाँ पे। तो मैं भी है ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, द पॉइंट इज दिस कि अगर आपका अंदर राजी है तो सही है ना, अगर आप उसको मान ही नहीं रहे, अगर आपके अंदर अपनी जात का शोर बहुत ज्यादा है और आपकी अपनी लिस्ट अभी है, सही है, आपका फोकस अपनी लिस्ट पे है तो वो काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पे चला जाता है तो वो उसी टाइम भी हो जाता है। हाँ जी, वो फिर जब मेरा गया तो फिर उसी टाइम हुआ ना, वो तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है, अब मुझे मैंने छोड़ दिया, अब जो कर रहा है ना मुझे लग रहा है कि वही कर रहा है और मैं बड़े सुकून में हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। मिठाई लाइए वही लाएगा मैं क्यों लाऊं नहीं मैंने सेवन अप देखी है, मिठाई नहीं देखी मैंने, इसलिए वो भी मैं नहीं लाई, बाबा के पास मैं कुछ नहीं लाती। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है, मैं उसको नहीं ला सकी अभी तक। नहीं, उसने आना था, उसने आना था, उनका मिलाद है, उसके बाद वो आ जाए। देखो डिफेंस डिफेंड कर रही है। नहीं नहीं, हाँ जी गुड गुड, ये थोड़ी सी अभी 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 असर हो गया इससे, बट नहीं वो फिर अल्लाह मियां पे जो छोड़ा हुआ है ना, तो फिर अल्लाह मियां करा रहे हैं अब मुझे ऐसे लग रही है सब अल्लाह मियां करा रहे हैं। मुझे ना, मैं सच्ची बताऊं कि मैं शादी वाकई नहीं करना चाहती थी, मुझे मर्दों से खौफ था, मुझे डर लगता था। मेरे आगे जो एक्सपीरियंस है, जो आपने अभी कहा कि किसी पर नहीं जाते, अब मुझे ये बात समझ आई है, मुझे खौफ था। मैंने उन काकियों को देखा है जो बड़ी बुरे हाल में, मुझे वो खौफ बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ना मर्दों से डर ही लगता था। मैं कहती थी बस बस ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा लम्हा है, सरकार है, मैं यहाँ घर में हूँ, मैं मज़े में हूँ। लेकिन कभी कभी घर वाले से भी वो हो जाता था कि यार एक एक बंदा मुझे जलील कर रहा है, बच्चे भी मैं संभालूं, काम भी मैं करूं, यार मैं भी इंसान हूँ, अलमिया मैं क्या करूं, मुझे कौन संभाल लेगा? संभाल, हाँ जी, लेकिन मुझे अब समझ आई है कि मुझे भी कोई संभाल लेगा। ये दुआ के बाद मुझे समझ आई, जब मैंने उस पर छोड़ा कि वाकई मुझे भी अब कोई संभाल लेगा, क्योंकि अब तक मैं नहीं करी, वो करा रहा होता था यहाँ ड्यूटी कर रही थी, लेकिन मुझे पहले बड़ा संभाला गया है ना, बड़ी मैडम थी, बहनें पढ़ रही है, नहीं मुझे पानी का गिलास यही वाली देगी जो पढ़ रही है। नहीं, आपको मुझे आपकी अम्मी ने, आपके अब्बू ने इतने साल जो संभाला और कहाँ कहाँ, आप उसका बदला तो दे ही नहीं सकते उसका। मैं उसके बाद अगर आपने दो चार साल अगर बच्चे देख लिए हैं, घर देख लिए है, तो फिर भी आप उसका ऑल्टरनेट नहीं वो नहीं दे सकती मैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं। क्योंकि जब कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊँ ना कि यार मैं थक गई हूँ, तो फौरन एक बात याद आती है कि जब मैं खाना मांगती थी ना, तो मामा किचन में होती थी और मेरी बहन लाइंस में होती थी, और क्योंकि मुझे तो उन्होंने देना था, मेरी जब तबीयत इस तरह थी, वो मुझे आके पेश करती थी ना, तो मुझे जब ये ख्याल आता तो फिर मैं बहुत ज्यादा रोती हुई हूँ कि यार रोटी तो तुम्हें अभी भी नहीं आती, तो रोटी तो तुमने पकानी नहीं, रोटी नहीं, किसी को नहीं दी तुमने रोटी, नहीं देखिये फिर अल्लाह मियां ने मेरी हेल्प कराई ना कि तुम रोटी ही ना पकाना, बाकी सब बना लेना, रोटी ना बनाना, ठीक है रोटी वो बनाएगा। हाँ जी, अब वो उसका मसला है, उसने क्या करना, मेरा तो नहीं है ना, नहीं सीखने, पहले ही प्रैक्टिस करवा ले, कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह उसको भेजने, उसे आता है। अच्छा अच्छा, पहले आता है। हाँ जी, उसे आता है, इसने वो मीटिंग में यही पूछा होगा रोटी बनानी आती है, अगली दफा आएगी, नहीं नहीं अगली दफा आएगी तो बताएगी कि कितनी गोल रोटी बनाती है। हाँ जी, नहीं मैंने कोशिश भी की है, ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, अभी तक तुमने की नहीं है की। अच्छा तुम भी बनाओगे ऐसी क्या बात है, बाकी हर चीज तो बनानी आती है, एक एक चीज पराठे भी बनाती है, पराठे भी बनाती है। वो ना पिछले दिनों
आजकल मेरी कोई मेड ही नहीं है मेरे पास, तो बस मैं तो मैं उसको ये बताती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ काम करती हूँ उसकी, इस बाजी की बातों में नहीं आना, इसके पास आजकल मेड नहीं है, ठीक है, तो इसका दुख ना समझना, ये सिर्फ मेड नहीं है इसके पास अभी फिलहाल, ये तो इसलिए मैं बता रही हूँ इसको। तो बीच में ना फरमाइश है कि ना आलू वाले पराठे जो है वो बनाओगी? अच्छा, अब मैंने कभी जिंदगी में वैसे पराठे बड़े अच्छे बनाती हूँ, आलू वाला पराठा मैंने कभी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, इनकार नहीं करोगी सतफ, तुम बनाओगी आज। अच्छा मैंने बनाया, वो इतना बड़ा पराठा बना बहुत अच्छा, लेकिन इतना बड़ा तवा था, मिशी झूठ मत बोलो, मिशी अल्लाह की कसम जितना था ना तवा, नक्शे कैसे थे? नहीं पूरा गोल था ना, बस थोड़ा लेकिन वैसा था अच्छा, लेकिन मैं भी हैरान हो गई, ठीक है ना। तो वो बनाना पड़ता है, वो आप प्यार में बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे आप मुझे चाय बनानी नहीं आती, एक ही फरमाइश है, ये कुछ ना सीखो, एक चाय बनाना, वो रोटी बनाना सीख रहा है तो चाय तुम जरूर बनाना सीखोगी, चाय बनाना सीखनी बिल्कुल सीखना है तुमने। हाँ अब अच्छा, अब ना मैं खुद नहीं पीती इसलिए मुझे नहीं आती थी, तो अब तुम मोहब्बत में इतना तो कर ही सकती है ना, वो मैं कर लूंगी क्योंकि मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए किया जा रहा है, तो अब तो मुझे करना है। लेडीज में से कोई आप पहली दफा आए हो? आपसे मैं पूछ रही हूँ। ओ अच्छा, ये आपकी बेटी है, ठीक है, आप पहली दफा कर रहे ठीक है, आप अपना तारुफ दें, सारी बातें बताओ। हाँ हाँ सब कुछ बताओ, छुपाना कुछ नहीं है, ये यहाँ नहीं कुछ भी छुपाते, छुपाओगे तो फिर वही वाली बात है कि फिर पता तो हमें फिर भी लग ही जाना नहीं, मेरे सारे मसले हल हो गए, मैं तो बस थैंक यू के लिए आई थी। फिर तो सब कुछ बताओ, हमें भी बताओ कैसे मसले हल हुए। यहाँ पे बेचारे इतने इतने लोग बैठे हुए जिनके मसले हल नहीं हुए, तो उनको बताओ तो सही कि नहीं, मेरी बड़ी लंबी स्टोरी है, मुझे समझ नहीं आ रही, सैमसंग के लिए नहीं है सुना, बस वक्त ही वक्त है, कोई मसला नहीं है, लंबी स्टोरी सुनाओ। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर वाहिदा अंजुम है, मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अच्छा, और 14 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए, 7 साल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने सर्व किया। थोड़ा ऊंची बोलो बेचारे। 7 साल मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सर्व किया है, 5 साल लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन रही, अभी दिसंबर से मैंने इधर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ज्वाइन किया एज ए चेयरपर्सन साइकोलॉजी। अच्छा, मसाइल तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं, सवाल मेरे बचपन ही से बड़े सारे थे, पढ़ने का शौक़ बड़ा था, और जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे पढ़ाते कोई नहीं थे, बच्चियों को मार देना उन्हें ज़्यादा पसंद था, तो मुझे बड़ी मार पड़ी हुई है पढ़ने के लिए। अभी मैं अपनी बेटियों को बताती हूँ कि मामा की अभी तक जो है ना यहाँ पे पढ़ने की वजह से जो है ना वो चिमटे पड़े हुए हैं, फूकनियाँ पड़ी हुई हैं, मार बड़ी पड़ती थी ना, तो पढ़ने नहीं देते थे। लेकिन मुझे ये लगता था कि यार ये बस इंसान की ज़िंदगी का मकसद इतना कोई है कि बस वही जैसे यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि थोड़ा बड़ा हो, शादी हो जाएँ, बच्चे पैदा हो जाएँ, चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं, बस इतना कोई है सारा कुछ नहीं, कुछ और भी है। तो मुझे ये लगता होता था कि मुझे किताबें बड़ी अच्छी लगती थी, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे जो भी होते थे बच्चों को मिलते थे उन दिनों, तो चवानियाँ ठियानियों का रिवाज था, वो इकट्ठे करती थी अपने अब्बू से, चोरी चोरी जो है ना मैं बुक मंगवाती थी और मेरे अब्बू ला के देते थे, मुझे बड़ा मार पड़ती थी इस बात पर कि ये पैसे कहीं और काम आ जाते तुम वो करती हो। बहरहाल वो फिर बड़ा मतलब हुआ, मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा अगर तुमने पढ़ना ही है फिर तुम इधर ना रहो, बड़ी मुश्किल से फिर आगे दाखला मिला लाहौर आई 2003 से, हॉस्टलों में रही, पैसे नहीं होते थे, मतलब मैंने 200-200 रुपये दिहाड़ी पे काम किया हुआ है, लेकिन सिर्फ यही होता था कि नहीं मुझे पढ़ना है, किताबें हैं, सारा कुछ है, तो सारी मुझे कहती होती थी क्यों पढ़ते हो ना, मैं कहती थी बस मुझे किताबें अच्छी लगती है इसलिए पढ़ना है। फिर ये होता था कि हॉस्टल में चुके रहते हैं, फिर वो कल्चर उस तरह का था कि जिसमें लगता था कि मतलब हॉस्टल में रहना वो उस तरह की बंदियाँ होती हैं, थी भी बड़े सारे मसले मसाए, लेकिन ये लगता होता था कि यार अगर पढ़ना भी नहीं है और इस तरह के चक्रों में भी पढ़ जाना है और शॉर्टकट ढूंढ लेने हैं और पता नहीं पढ़ के आगे कुछ मतलब कौन सी मंजिल मिलनी है, क्या मिलना है, इज्जत भी जाती रहेगी तो फिर क्या करेंगे, इस बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो बड़ा लंबी स्टोरी थी, रोती होती थी कि यार ये ज़िंदगी क्यों है, क्या है, कैसे है, बड़ा लंबा सफ़र था। अब्बू मेरे कहते होते थे शायद इसको हॉस्टल में कोई इशू है तो वापस आ जाओ अगर नहीं पढ़ना, तो मुझे ये लगता था ज़िंदगी समझ नहीं आती, मुझे इंसान समझ नहीं आते, ये देखने में तो सारे बड़े अच्छे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं और कहते हैं बेटियों जैसी है, लेकिन यहाँ इनके पास जाते हैं तो बेटियों जैसी नहीं होती हैं, सलाम करते करते प्यार देते देते सारे कहीं हाथ फेर जाते हैं, ये कौन सी वाली बात हुई, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि फिर करैक्टर किधर है, फिर बेटियाँ मतलब वो बड़े सारे सवाल थे। तो बहरहाल फिर ज़ाहिर है एजुकेशन मेरी पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो गई, 14 साल की मेरी मतलब वो सारी कमाई थी, हस्बैंड मेरे जनरल सर्जन थे,
तो लग रहा था बड़ा अच्छा है, वही वाली जो सारी यहाँ पे चीज़ें बातें हो रही हैं। मुझे भी ये लगता था कि नहीं, वेरी फर्स्ट डे से जब आपने इतनी मतलब स्ट्रगल की होती है तो आपको लगता है कि एक टाइम आपका भी आएगा इंशाल्लाह ताला, आपका भी घर होगा, आप भी सारा कुछ जो है ना वो अच्छा सा देखेंगे। और जाहिर है वो सारी चीज़ें जो सूरह निसा के शुरू में हैं कि अल्लाह की हदों के करीब भी नहीं जाना है, अल्लाह के सारे मामलात को, और हस्बैंड जो है वो आपका, जाहिर है ये जो सारी बातें कर, मेरे तो कभी रेजिस्टेंस नहीं आई, मैंने तो वेरी फर्स्ट डे से ही सरेंडर किया। और इवन उन्होंने कहा कि तन मन धन औरत का मर्द का होता है, मैं कहती हूँ ऐसे कैसे होता है, मतलब मन तन तो ठीक है लेकिन धन तो अल्लाह ने मर्द को कहा हुआ कि औरत को दो, यार तो ये उल्टी चक्की किसी से चलनी है। लेकिन वही वाली बात के ठीक है, फिर आप बच्चों में लग जाते हैं, फिर पहला बच्चा पैदा हुआ तो मतलब मुझे वेरी फर्स्ट डे से ये लगता था कि यार ये बंदे मतलब क्या है, इसके क्यों सारी रात इसको नींद नहीं आती, डॉक्टर है, सर्जन है, इसको मिग्रेन क्यों होता है, मतलब क्या है, ये खुश नहीं होता कभी भी ना। लेकिन खैर मेरी उस मतलब उसको खुश करने के चक्कर में बड़ा सारा कुछ किया। अब बच्चे पैदा, वो ऊपर नीचे औरत के पास की बात थोड़ी है, जब शादी हुई है तो बच्चे तो पैदा होने ही हैं, पहली बेटी हो गई, चलो दूसरा अब नहीं अबॉर्शन करवाओ, क्यों अबॉर्शन करवाऊँ, अब स्टेबल नहीं है, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, तो भाई उससे पहले डॉक्टर थे कुछ कर लेते ना, ऊपर नीचे बच्चे हो रहे हैं, नहीं क्यों क्यों ऊपर नीचे बच्चे हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर हो के ही नहीं और कोई काम ही नहीं है, तो भाई और ये इसी तरह से कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पेट निकल आता है, कैसी चेयर पर्सन हो, लोग कहेंगे कि एक बच्ची वैसे उठाई हुई है एक साथ में उसमें, तो भाई अब इसमें मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा, मैंने कहा नहीं करवाना, क्योंकि अगर इस धरती के ऊपर एक माँ से उसका बच्चा जो है ना वो महफूज नहीं है तो फिर आप समझ लें कि रहम हो नहीं सकता है। तो दूसरी दफ़ा फिर वो बेटा मेरा वक्फा थोड़ा था होना, मतलब प्रेगनेंसी, उन्होंने कहा मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, हालांकि सारे पैसे उनके पास थे, मेरे प्लॉट उनके पास थे, जो मेरी तनख्वाह आती थी उन्हीं के पास थी, ज़ीरो बैलेंस पे थी, मैं किराए के घर में थे। खैर मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, वो मैंने वही सूरह रहमान निकाली, मैं वैसे ही रैंडमली जब वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा अबॉर्शन करवाओ, इसको रखो या मैंने मुझे रखो, मैंने कहा भाई तुम्हें तो कोई भी रख लेगा, इस बच्चे को तो मुझे ही रखना है, तो मैंने कहा ये हलाल का बच्चा है और अगर हराम का भी होता तो मैं रखती, क्योंकि माँ ने तो रिटेन करना ही होता है ना, माँ का तो होता है अगर तुम्हारे नहीं है तो। खैर वो चले गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कुरान पाक निकाला, उसमें यही वाला था कि खलक अल इंसान अल्लामहुल बयान, वो मेरी प्रेगनेंसी ज़ाहिर है पूरी वो बस उस आयत के इर्द गिर्द घूमती रही। उनको ये था कि ये दूसरी बेटी भी हो गई है, हालांकि सर्जन थे, तो दूसरी बेटी हो गई है, तो बड़ा मुश्किल था वो वाला टाइम, नाइन मतलब आपके 9 महीने प्रेगनेंसी में, मतलब जब औरतें बातें करती हैं, हालांकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, 14 साल से फील्ड में हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आती औरतें किस तरह से जो है ना वो गिले करती हैं, अगर दूसरा बंदा आपको इंसान ही समझ ले तो बड़ी बात है, ये विश ना करे आपको, ठीक है वो किस ना करे कुछ भी ना करे तो चल जाता है, लेकिन इंसान ही समझ ले तो खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता था ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे ऊपर नीचे 3 हो गए, हाँ उन्हें फिर ये हुआ कि भाई चलो घर आ गए, पता नहीं वो पैसे उनको ले आए, एटीएम वापस ले आया, क्या ले आया, उन्होंने कहा चलो अच्छा रिटेन करते हैं, वही सी सेक्शन होता था, रात को पता लगता था, मतलब जब बच्चे की हार्ट बीट आना बंद हो जाती थी, फिर कहती थी कि भाई अल्लाह का वास्ता आप तो हॉस्पिटल ले जाओ, ये बच्चा कहीं 9 महीने के एंड पे वो जा उस तरह ना हो जाए, तो पता लगता था कि अच्छा 2 घंटे बाद सी सेक्शन है। और फिर यूट्रस निकलवाने के चक्कर में होता था कि यार यूट्रस निकलवानी है, क्यों, क्योंकि बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। पहले वो बेटी मेरी जब हुई तो बड़ा मातम था कि वो रिसीव ही नहीं कोई कर रहा था, और जाहिर है आप एनेस्थीसिया में होते हैं, और फिर ये वाली बात कि आपकी यूट्रस, मैं कहती थी अल्लाह अब आपकी मर्ज़ी, मैं क्या कर सकती हूँ, तो अगर मैं उठूँ और बॉडी पार्ट्स ना हो तो फिर मुझसे मत पूछना, बस ठीक है तेरी मर्ज़ी। और जब मुझे वीडियो बिलीव के जब दूसरी मेरी बेटी हुई तो एनेस्थीसिया के बाद अब होंगे सबके एक्सपीरियंसेस, आपको होश आ रहा होता है, आप मौत से वापस आते हैं, तो मेरी मुझे होश आ रहा था, मेरी बेटी को कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये फिर आ गई है बेटी, पैदा हो गई है, मेरे साथ लटाया, तो मुझे सिर्फ यही वाली, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कमाल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह रिज़्क़ देता है तुम्हारे हिस्से का भी देगा, तो तुम फिक्र ना करना। खैर वो जब तीसरा मतलब बच्चा मेरा, वो यही था कि फिर बेटी हो गई तो वो उसकी पोजीशन ही नज़र नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था कि बेटी भी हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो रिटेन तो करनी है मैंने। वो बेटा हो गया, इसको बड़ी खुशी हुई कि तुम कितनी अच्छी औरत हो, तुमने औरत हो गई इस चीज़ को रिटेन की है, तुमने जो है ना वो मतलब डटी रही तुम,
मैं किस तरह का आदमी, वो दो तीन दिन तो बड़ी खुशी रही, दुनिया को भी बड़ा पता लगा, सोसाइटी में भी बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब के बेटा हुआ है, तो अच्छा जी सारी मिठाइयाँ बांटी, फिर वही भूल गया वही वाली चीज़। तो मुझे लगता था कि यार इस बंदे की ना शायद वो जनरल सर्जरी में ना वो पेशेंट्स को देख देख के हालत इस तरह की हुई है। मैंने बड़े रिसर्च आर्टिकल निकले लिखे ढूंढा शूंढा के भाई सर्जन का शायद कल्चर इस तरह का, इन्वायरमेंट इस तरह का, इनह्यूमन। मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट थी, फिर मैं पीछे जाती थी उनके, मतलब वो देखती थी कि कोई इंटरजनरेशनल वायलेंस है इनके, हाँ क्या वो कब्र पे जाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे, कब्र पे जाते थे तो माँ के पाँव को बड़ा चूमना चूमना कब्र पे, बाप को साथ देखना ही कोई ना। मुझे लगना कि यार इस बंदे का ना कोई है प्रॉब्लम ना, कि फिर वो इन, हाँ कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या इंटरजनरेशनल वायलेंस है, वो बताया तो कभी भी नहीं था। खैर तो था कुछ ना कुछ इस तरह का ना, तो क्योंकि सारी उम्र वो भी हॉस्टलों में रहे थे, मुझे ये लगता था इनके अटैचमेंट इश्यूज हैं, घर में रहना नहीं आया या कोई माँ बाप नहीं है या वो बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो उनके यहाँ मारना एक दूसरे को, मतलब वो बच्चियों के रेप करना क्योंकि घर की बाउंड्रीज कोई नहीं है और उनके यहाँ ये बड़ा नॉर्मल है। तो मैंने जब ये, मेरी नंद की बेटी मेरे साथ रहती थी, 3 साल वो रही मेरे साथ, तो वो जाती नहीं थी, अपने माँ बाप से बात नहीं करती थी। मैं कहती थी यार तुम, वो कहती थी आप ही मामा है मेरी। मैं कहती थी क्यों यार, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 15-16 साल की हो। तो उसने फिर मुझे, मतलब मुझे खुद भी पता लग गया कि यार ये रेप होती रही है या इनके सारे मामलात हैं इसी तरह के, और उनके यहाँ तैयार किया जाता है अपने बेटों को और मिल के तैयार करते हैं कि जो दूसरे, मतलब मैं एक अगर बेटा है ना तो वो इसलिए तैयार करते हैं कि फलाने की बेटी को काना कर रहे हैं, खुद किसी को वो शरीके को तैयार कर रहे हैं कि ये इसमें, और कोई वॉशरूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो बम्बियाँ लगी हुई हैं उधर उधर ही, सब बाप भी नहा रहा है, बेटी भी नहा रही है, बेटियाँ भी नहा रही है, कोई भी आ रहे हैं नहा रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ा, मैं कहती होती थी यार मतलब क्या वो समंदर पे बीच पे जो वो आप सुना रही थी, मतलब वो ही याशी करते हैं, यहाँ तो हर बंदा ही दूसरे के साथ। और आप तो कैसे, आपके पेरेंट्स ने जब ये रिश्ता किया तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने, बहरहाल मतलब मैं आगे आपको बताती हूँ कि फिर क्या हो। चलो वो, अब मुझे ये वाली चीज़ होती थी कि वो कहती थी, फिर मैंने इनको कहना शुरू किया कि यार कम से कम आप उस इलाके से निकले हैं इस तरह के इन्वायरमेंट से, तो आपके होते हुए तो फिक्स होनी चाहिए ना चीज़ें। वो नहीं निकले उस इलाके से, आप तो निकले हुए हैं ना, आप जो मतलब उधर जाते हैं या मैं जाती हूँ, हमें थोड़ा मतलब कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में। लाहौर में वो खैर क्या होना था मामला, अभी फिर खैर पिछले साल मुझे ये पता लगा, हाँ वो पैसे मेरे से लेते रहे और उन्होंने यही कहना कि जब हमारी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी ना थोड़ी, 6 साल की 5 साल की स्कूल जाने के काबिल, तो हम ना इनकी अच्छी ग्रूमिंग करेंगे, तब तक अपना घर भी बना लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, तो फिर हम ना इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बच्चे हमारे बचेंगे व्हाटएवर। अच्छा वो जब मैंने, वो 6 साल हो गए 7वां साल हो गया, कि और पैसे कमाओ और सेशन लिया करो, पैसे मुझे दिया करो, मेरे से होता नहीं है कि सेशन, एक ऑलरेडी बंदा तकलीफ में है, ऊपर से मैं उससे पैसे भी चार्ज करूं, तो मैं वैसे ही ऑलरेडी अच्छा कमा रही हूं यार, अगर इसमें बरकत नहीं पड़ रही और मेरे पास कोई आके अपना वो प्रॉब्लम शेयर कर सक देता है और मैं उसको थोड़ा मतलब हेल्प कर देती हूँ, तो ये मेरे से नहीं होता कि मैं पैसे लूँ। इस बात पे बड़ा गुस्सा होना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई जो मेरा पिछला हिसाब किताब है वो तो ज़रा क्लियर करो ना, फिर देखते हैं। और बच्चियों को अब स्कूल डालना है, कोई स्टैंडर्ड लाइफ कोई उस तरह का नहीं है, बस दैट्स इट, लाएँ पिछला हिसाब करते हैं। उस पर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, फिर वो घर छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा वो तो सारे पैसे नहीं है, ज़ीरो है। मैंने कहा कैसे ज़ीरो है, मैंने तो नहीं कहीं लगाया ना, मेरी बच्चियों पर लगाया, स्कूल में दाखिल करवानी है यार कुछ तो आगे। उन्होंने कहा नहीं मैं डाइवोर्स दे दूँगा। मैंने कहा अब तो तुम डाइवोर्स दो, अब तो जो भी देना है दो, मतलब मेरा प्लॉट वापस करो, मेरी वो जो मतलब कोई 1.5 करोड़ कमाई बनती है यार मेरी, मतलब 14 साल से मैं कमा रही हूँ, मतलब ठीक है तुम कवाम हो, लेकिन कवाम का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब ठीक है आपने सरेंडर किया है यार, लेकिन कहीं तो लाइन लगानी पड़ती है ना, अब मेरी बच्चियाँ या मैं सारा आपका, मुझे बताओ मैं किधर जाऊँ ना क्या सारा। खैर वो उसने घर का किराया, वो जिस घर पे रहते थे उसने वो वाला कैंसिल करवा दिया, अंकल से कहा मैं तो नहीं इस घर में रहता, और मैं 0 बैलेंस पे, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने अपना फिर वो ज़ाहिर रोला शोला डाला, खाली ATM मुझे वापस मिला, मैंने कहा भर जाएगा कोई मसला नहीं है, लेकिन अब तो नहीं जाने वाला वापस। इस बात पर उन्हें बड़ा गुस्सा आया ज़ाहिर है, लेकिन ये फिर मेरी इधर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब हो गई, मैंने नहीं बॉदर किया, नहीं पैसे देते ना सही, वो हर बात में यही कहते थे मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह गवाह है, और ये मैं कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ और हाफ़िज़ कुरान है, नमाज़ जमात के साथ पढ़ते हैं, मोतबर हैं, पूरी सोसाइटी में नाम है, डॉक्टर साहब हैं, अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो मुझे भी यही था कि यार हर वक्त बंदा घर नहीं आता, मतलब विजिटिंग के तौर पर आता है, सुबह पता लगता है बोतल को देख के डॉक्टर साहब घर तशरीफ़ भी लाए हैं,
हो सकता है टफ जॉब हो इसी तरह की, और कोई बात नहीं है, चलो आपने वही तीन प्रेगनेंसियाँ व्हाटएवर जिस तरह से भी निकाली सारा कुछ है। लेकिन अब कुरान पाक को जब कहना कि भाई तुमने तो कुरान पाक मतलब दरमियान में रखे, कामियाँ बीवी के दरमियान में तीसरा गवाह अल्लाह होता है, तो किधर है वो सारी चीज़ें? कहते ले लो अल्लाह से। वही तो जो जामिन अल्लाह को दिया था यार, वो किधर है? वो कहते पढ़ा हुआ ना अल्लाह ले लो। वही तो तुम्हें कब्र नहीं याद आती? वो कहते जब जाएंगे देखी जाएगी, और घर का खर्चा बच्चों का दो यार कुछ। कहते था तुम्हें पैदा किए, मैंने थोड़ी की है, तो कर लो। अच्छा खैर, ये इस तरह के चपकलेश में फिर करते कराते ये पिछले जो रमज़ान में फिर पता लगा कि भाई वो तो बड़ी देर से पहले मतलब कोई दो चार महीने से शादी भी किया हुआ है, मारने मुड़ने की भी मुझे कोशिश की उसने। मुझे फिर ना समझ आए कि यार ये इस तरह क्यों कर रहा है ना, मतलब क्या चल रहा है। मैं तो इसको बोदर नहीं करती हूँ, मैंने तो कभी मतलब इसको नहीं कुछ भी ऑफ तक नहीं किया। मेरी काम वाली बच्चियाँ मुझे कहती होती थी कि बाजी मतलब आप भाई के सामने कोई बात नहीं करती। मैं कहती थी तुम लोगों ने मुझे कभी इसके पीछे भी बात करते हुए देखा? सामने तो बड़ी दूर की बात है। और मेरे सारे स्टूडेंट या सारे उसमें मैं यही कहती होती थी रिलेशनशिप में सरेंडर ही होता है, और ऐसे ही होता है। आप जूते पॉलिश करने से लेकर के खाने बनाने तक, और खाने में टेबल बनाती होती थी सारा कुछ, और मुझे समझ नहीं आती थी इस बंदे को मज़ा क्यों नहीं आता खाने में ना, इसके टेस्ट बड्स ख़राब हैं, इसको नेमतों की खुशबू क्यों नहीं आती, इसको रातों को नींद क्यों नहीं आती, इसको मीग्रेन क्यों होता है। लेकिन वो जब आप ट्रस्ट मी के 14 साल के बाद मुझे समझ आई कि यार साथी है या सांप है समझ ही नहीं आती, साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी आप साथ वाले को नहीं समझ पाते हैं, तो मेरे मुझे तो फिर खैर वो जो शुरू वाले सवाल थे उसको मैंने कहा याल्ला मुझे माफ़ कर दे, तो मैंने बड़े गलत सवाल पूछे तुमसे कि मुझे समझ आनी चाहिए ये सारा कुछ। और खैर जब वो दूसरी शादी का मुझे पता लगा कि मैंने कहा कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरा बड़ा छुटकारा है, ज़बरदस्त हो गया। क्योंकि यही वाली तो असल बात है कि आप इतना सारा कुछ करने के बाद आपको पता लगता है कि यार अभी तो पता लगेगा कि साथ वाला किस तरह से किस पैरामीटर में चल रहा है, तो फिर मारने की कोशिश। और फिर मुझे किसी से मेरी दोस्त ने बताया, मैं वैसे रैंडमली सुनती होती थी ये सूरह रहमान, मेरी दोस्त ने कहा कि यार इस तरह से सुबह दोपहर शाम ये वाला सारा करके दुआ करो तो सेटल होंगी चीज़ें। मैंने ना फिर उसने कहा फिर जो भी होगा सरेंडर करना है, मैंने कहा मैं तो पहले दिन से करी बैठी हूँ यार, बताओ कैसे। फिर मैंने सुबह दोपहर शाम की, अजय वो जैसे सुबह दोपहर शाम में मैंने दुआ करना शुरू की, वो जो कह रहे थे दिल में शोर बड़ा था, जाहिर है आपका दिमाग है, फड़कता हुआ दिमाग है, धड़कता दिल है, फड़केगा तो सही कि यार इतना सारा कुछ किया, 1.5 करोड़ ऊपर से बच्चों के लिए भी इतना सारा मतलब आपने किया। अब आप देखते हैं कि आप बिल्कुल स्टैंड होने लगे हैं, पता लगता पीछे से सारा कुछ धड़ल ख़त्म, कुछ भी नहीं है, अकेली औरत मतलब, और बच्चे, और वो रातें कैसे गुजरती हैं, तो मतलब किधर कैसे ये समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने वो सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो किया, सूरह रहमान सुनी वो दिल से माफ़ करके उसमें, तो हाँ मैंने कहा अब ये तो हो गया, उसे नेक्स्ट क्या करूँ? उसने कहा अनल हक करो और जो है ना वो 5 दिन, हाँ जी अनल हक, उन्होंने कहा 5 दफ़ा करो और जो है ना वो 5 दिन करो और फिर हक होता हुआ देखो, और ना फिर जो भी हो उस पर आपने कायम रहना है। अच्छा मैंने वो वाला किया, उसके बाद तो फिर वो कैसे घर छोड़ के गए, उन्होंने किस तरह से मेरे पे पर्चे करवाए कि ये इसने मेरी इज्जत हद के इज्जत के किस तरह से मेरे पे वो उन्होंने दावे करवाए, किस तरह से वो बच्ची को उधर से निकाला। मुझे वो बिल्कुल अबू जंदल वाली वो हेल्पलेसनेस याद आ रही थी कि वो बेटी मुझे कहती थी नंद की बेटी के यार मामा मुझे बचा लो, मैंने कहा अब तो तुम्हें अल्लाह ही बचाएगा बेटे, मैं किधर से बचा सकती हूँ, जाहिर है उनकी बहन की बेटी थी, तो दिन के दिन उनको जा के लेके आया, उनको गालियाँ निकाले कि भाई ये लेके जाओ इसको, क्योंकि यही सहारा है, बच्चे उसके साथ अटैच थे, मेरी नौकरी उसकी वजह से चल रही थी। खैर फिर ये हुआ कि हाँ वो पुलिस में, हालांकि वो उसके सारे जानने वाले थे, मैं अपने बच्चे लेके ईद के दूसरे दिन गई पुलिस में, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक वो सिर्फ हॉस्टलों में, बाकी जगह देखी थी, ये भी देखते हैं क्या होता है, रोज़ाना कुछ नया होता था, लगता था आज ख़त्म होगी चीज़ें, लेकिन नहीं होती थी, वो अगले दिन कुछ और। पुलिस वाले के पास गए, मैंने अपने बच्चे और वो जो करोड़ों खाए हुए जो मेरे पे करवाया हुआ और अपने प्लॉट, मैंने कहा ये देखो ये सारा कुछ है, तुम्हें जो समझ आता है रख लो, हमें इधर कम से कम जेल में हमें रोटी तो दोगे। तो मैं तो ये सोचती होती थी कि यार पढ़ी लिखी माएँ हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, लेकिन हमें तो बच्चों को देखना नसीब ही नहीं होता यार, सुबह से निकलो शाम तक। मेरे कंजर बरादरी पे रिसर्च की ना, तो उसमें ये निकलता था कि जो कंजर होते हैं ना सिर्फ वो बेटियों के पैदा होने पे जो है ना वो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनका धंधा आगे चलता है, और लेकिन उनमें गैरत इतनी होती है कि वो अपनी बीवियों से धंधा नहीं करवाते, वो कहते हैं कि हमारे घर में बच्चियाँ पैदा करती हैं और हमारी नस्ल इनसे आगे चलती है। लेकिन मुझे ये लगा कि यार
ये मतलब धंधे की इंतहा है कि आप अगले बंदे से काम करवाओ और सारा कुछ खाओ पियो और निकल जाओ और आपके बच्चे और आपके वो सारी चीज़ें, जबकि आप एक स्टेबल पोजीशन पे हैं, जबकि आप सर्जन भी हैं, जबकि आप सारा कुछ हैं। तो खैर वो पुलिस वाले ने तो फिर जो उसके किए, मुझे बड़ी शर्म आती थी कि यार ये जहां पे भी, फिर उसने पर्या पुर्या इकट्ठी की, आता ही हुई नहीं था सबने। फिर जब मेरा स्टांस सुना, फिर जो है ना वो अदालत में भी हद के इज़्ज़त का, मेरे पे ही रोज़ाना नोटिस आ रहे हैं, रोज़ाना नोटिस आ रहे हैं। तो मेरा हर हाल से ना मैं उधर से कहती थी अच्छा अल्लाह आप काफ़ी हैं, और मुझे समझ ही नहीं आती थी मेरे कल किधर से हो रहे हैं। वो मुझे बेइज्जत करने लगता था, वो सारे कहते थे कि यार और क्या चाहिए, तुम बताओ इस औरत का किरदार ख़राब है यार, इसने तुम्हें कमा के नहीं खिलाया, इसने तुम्हारे बच्चों की नहीं देखी, तुम्हारी नहीं कुछ की, कोई एक ऐप निकाल लो इसमें। लेकिन मतलब उसको कोई आता ही नहीं था। फिर रेंट पे अब मुझे ये लगता है, जब मैंने ये सूरत सुनी, मुझे ये लगता होता था कि अल्लाह तो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए काफ़ी हो जा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह तो काफ़ी है, मतलब ये मैं कितनी गलत जवाब मांग रही हूँ। फिर तब से मतलब ये कोई 2 महीने हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुकून है। वही चीज़ें मुझे बड़ी ब्लेसिंग लगने लगी। मैंने कहा मैं तो अगले इतने सालों लगते और मैं छूट ही ना पाती, ये चीज़ें मैं समझ ही ना पाती, ये झूठ मेरे सामने आता ही कोई ना, मैं घर से ना मतलब मैं निकलती वो निकल गया और वो किराए नामे कैंसिल वो मेरे नाम, हर चीज़ इतनी स्मूथ हो गई। अब मेरे पास टाइम ही टाइम होता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और मुझे हर तरफ ब्लेसिंग ही नज़र आती हैं, हर तरफ बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा अब ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, फिर उनको जो भी जिस मसले के साथ आता है, पहले तो हम सिर्फ साइकोथेरेपी करते थे, अब उसके साथ हम ये सूरह रहमान मैंने कहा मैंडेटरी करते हैं। फिर मैंने उस पर MS के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको लगाया कि भाई हम ये सूरह रहमान उसमें, तो वो जितने भी मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स हैं या अगर डाइवोर्स वाले वुमेंस हैं या जिसके जो भी कोई साइकोलॉजिकल इमोशनल फिजिकल कोई भी मतलब XYZ ट्रॉमा है, ट्रस्ट मी के वो रिलीफ होते हैं, इससे रिहेबिलिटेट होते हैं वो लोग। फिर मैंने सोचा कि इसमें इंटरजनरेशनल वायलेंस पे भी काम करते हैं, क्योंकि सारे जैसे यह कह रहे शादी से डर लगते हैं, तो मुझे उसका एक क्रक्स ये निकला कि क्योंकि शादी जो है ना हमने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया हुआ है, इतना बड़ा मसला नहीं है, हमने तैयारी नहीं किया अपने आप को, ना मर्द को ना औरत को, कि मतलब आपने अच्छे एंटरप्रेन्योर बना लिए, आपने अच्छे वो कलगियों वाले अफसर बना लिए, आपने सारा कुछ बना लिया, लेकिन आपने हाउ टू बिहेव एक्चुअली इंटरपर्सनली हमें पता ही नहीं है। हमारे घर की टेरिटरी क्या है, कहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करनी है, हमारा कोई वन लाइनर एजेंडा ही नहीं है। जो मर्ज़ी जिस तरह से मर्ज़ी आप ऑफिस में जाके नहीं इस तरह की मर्ज़ी कर सकते, लेकिन घर में आप आते हैं आप जो मर्ज़ी कर लें, मतलब आपका कोई स्ट्रीम लाइन ही नहीं है। तो मुझे ये फिर ये हुआ, अब इस पर मैंने 4 साल का एक प्रोग्राम डेवलप किया है इंटरजनरेशनल वायलेंस ट्रॉमा, और फिर ये जिस तरह से कि किस तरह से एक मर्द जब अपनी माँ को मार खाते हुए देखता है, वो चाहे ना चाहे आगे इंटीमेट रिलेशनशिप में वो अटैचमेंट पैटर्न का चूंकि प्रॉब्लम होता है वो आगे एग्जिबिट करता है इंटीमेट रिलेशंस में, और चूंकि हमने सीखे नहीं है रिश्ते इसलिए हमें हाउ टू बिहेव आता ही नहीं है, और चूंकि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप जो मर्जी करके चले जाएं, मतलब आप कहते हैं मर्द ने 4 शादियाँ की, ओ भाई अल्लाह ने तुम्हें कैपेसिटी 4 की दी है, आगे 40 बच्चे पैदा करके उसको संभालने की दी है, तुम तो 2 पैदा करके नहीं जा रहे, अगली सुन्नतें तुम निभा रहे हो, तो पिछले जो सुन्नतें हैं फ़र्ज़ हैं नफल हैं मतलब कैसे उनको फिक्स करोगे, उनको भी तो कुछ करो ना यार। इस तरह थोड़ी है कि हाफ बैक्ड चीज़ें, मतलब सारे मुझे लगता है कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो बहरहाल मेरे वो फिर किस तरह से अब ये मेरा वो 4 साल का अल्हम्दुलिल्लाह इंटर जनरेशन वायलेंस पे मेरा वो अब उस पर मैंने फिर कलेबोरेशन की है वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, जो लॉ डिपार्टमेंट है उनके साथ, इस्लामियात वालों के साथ, के कोई एक हदीस ही लेके इंप्लीमेंट करवा दें अपनी मस्जिदों में। वैसे तो आपके पास बड़े सारे लोग आते हैं, मतलब वो आधी हदीस सुनाते हैं कि अब वैसे बेहतरीन वो है कि जो कामिल ईमान वाला है, वो भाई अगली भी बात सुनाओ ना उससे अगली बोल रही कि मतलब अखलाक अच्छे वाला है, और उससे भी कामिल ईमान वाला वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन है। आपकी एक बीवी गवाही नहीं देती कि भाई तुम कामिल मर्द हो, 4 किधर से देंगी, हमने तैयारी नहीं किया मर्दों को ना, हमने औरतों को तैयार किया, मर्दों को तैयार किया कि भाई तुम साहब हो और पहले दिन से ही तुम साहब हो, औरत को किया कि यार तूने बस बाय एनी मीन उल्टा चक्का चलाना है, कैसे हो गया यार ये वाली सारी चीज़ें तो नहीं है। तो मर्द को तो कवाम बनाया गया था, आपकी आखिरत तक का जिम्मेदार था मर्द बीवी के, अगर आप डाउन जाते हैं कहाँ आप अपने मतलब लेजिटिमेट बच्चों को सर्व कर नहीं रहे और छोड़ के चले गए और आप सारा कुछ उसमें हैं। तो मेरे वो सवाल जो कि मुझे वो बचपन से सताते आ रहे थे, वो मेरे ये सूरह रहमान सुनने से ना क्लियर हो गए हैं, और मुझे इतनी हिम्मत मिली है, इतनी हिम्मत मिली है, मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे कल किधर से हुआ, ये
ये इतने बड़े सारे रगड़े जो लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ लग गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आनी थी कि हमारी जो यंग जनरेशन है मुझे समझ नहीं आती थी। मतलब जाहिर है मैं एकेडेमिया में हूँ, रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो जब तक आपकी हार्ट बीट ही नहीं ना होती आपको समझ नहीं आती है कि आपके इर्द गिर्द इतने वेरिएबल्स पड़े हुए हैं यार, लोग इस तरह की ज़िंदगियां भी गुजार रहे हैं, आपने सोचा ही नहीं होता है कि पता नहीं। वो मैंने फिर वो देखा कि जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं 70,000 उनको अब्दुल सत्तार ईदी ने बच्चों को ज़ाहिर है उन्हें हेल्प किया था, तो मुझे ये लगा कि ये इलिजिटिमेट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है ना तो उसको तो ज़िंदा ही नहीं रखते हम, यहाँ तो लिजिटिमेट को नहीं रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लिजिटिमेट होंगे। इसी वजह से तो वो 9 महीने बेयर किया और फिर उठा के उसको सड़क पर फेंक दिया। तो ये माफ़ करने या ये वाली कहानियाँ, हाँ बहरहाल सूरह रहमान सुन के मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगी वो ये थी कि भाई उस बंदे को माफ़ करना और फिर उसके लिए दुआ करना और फिर उसके लिए सदका करना, ये इसमें मैं फंस गई। मैंने कहा यार अच्छा माफ़ कर दिया, कहानी ठीक है, अब उस पर उसके बाद उसको मैं सदका भी करूँ, खैरात भी करूँ, उस पर दरूद भी भेजूँ, उसके इर्द गिर्द वालों के लिए भी करूँ, ये इसमें मुझे फिर थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब लगा तो उसके बाद फिर ज़िंदगी बड़ी स्टेबल है। तो मैंने किसी को ऐसे ही दुआ करवा रही थी, मैंने कभी नहीं कोशिश की, मैं हालाँकि हर दुआ सेशन सुनती हूँ बाबा जी का, लेकिन मैंने कभी नहीं कोशिश की कि मैं कोई नंबर निकालूं या मैं इस पर जो है ना वो आगे करूं। फिर मुझे फॉर्चुनेटली नंबर मिल गया, किसी ने मुझे रेफ़र किया, मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा मेरे वैसे सारा उस तरह फिर गए अब बात से अब मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस अब ना ये चाहती हूँ कि मैं सूरह रहमान को अगर मैं अपने स्टूडेंट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए या उस तरह से, तो इसलिए मैं प्रॉपर सीख के आगे जो है ना वो करना चाहती हूँ, बस यही बात। थैंक यू। तो अगर सूरह रहमान ना होती मुझे लगता है मैं कभी भी मेरे ना वो सवाल हल हो पाते, ना मुझे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते, ना मेरी ये हार्ट बीट सही हो पाती। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि मेरी जो बेटियां हैं ना, एक 6 साल की है, एक 5 साल की है और छोटा बेटा 3 साल का है। अब उन्हें रोज़ाना ये होता था कि सबके बाप हैं हमारे नहीं हैं, सबके बाप हैं हमारा बाबा नहीं है, सबके बाप छोड़ने जाते हैं, अब उनका ट्रॉमा था। फिर वो मैंने उन्हें कहा कि बेटे देख तेरी माँ भी जा सकती है, तेरा बाप भी जा सकता है, लेकिन एक ज़ात है जो तेरी सदा तेरे साथ रहेगी और वो है तेरा रब। और आप मेरे बच्चों को यकीन करें, और वो वाली बच्ची जिसको मैं बचा नहीं सकी हूँ, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी टाइम दिया तो मैं ज़रूर वो उन बच्चियों की हेल्प के लिए भी कुछ करूँगी। तो मुझे उसको भी ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि अगर मेरी मामा मतलब मैं उसको नहीं हेल्प कर पाई तो मेरा रब मेरे साथ है। मैंने कहा अब तुम्हारी हिफाजत वो करेगा, तुम्हारा रब है, तो रब मिल गया मुझे। मैं हमेशा दुआ करती थी कि या अल्लाह मतलब लंबा चक्कर मेरा पड़ा है, मेरी बच्चियों का ना पड़े। हाँ मुझे वेरी फर्स्ट डे से ये जवाब मिला कि यार जो 40 साल में मैंने अब आके थाना देखा, मेरी बच्चियों ने तो पहले दिन से ही देख लिया ना 4-5 साल से, और मैंने अब अदालतें देखी हैं जो सोचा भी नहीं था मेरी बच्चियों ने बड़ी पहले देख ली है, यार ये तो बड़ी सुनी गई है दुआ। और मुझे अब आके ये लगा कि रब मेरे लिए काफ़ी है, तो मेरे बच्चे तो पहले दिन से ही रब को पकड़ लिए। अब जब उठते ज़ाहिर नींदें कहाँ आती थी, सारी रात जागते होते थे, 5-7 साल मतलब महीनों से जाग ही रहे थे। अब वो साइकिल चलता है कि यार ये क्या है, नहीं समझ आती थी वो सारी चीज़ों की। तो वो फिर मेरी बेटी भी जाग रही होती थी मेरे साथ, वो कहती थी मामा, मैं कहती थी यार अजीज सो जा, कहती थी नहीं मामा मैं ना अल्लाह से बातें करूँगी। मैंने कहा क्या बातें करोगी यार, कहती है मेरी टीचर कहती थी कि ना हम ना अल्लाह जो है ना वो पहले आसमान पे आया होता है, तो मैं देखना चाहती हूँ अल्लाह कैसा है, तो फिर आप वो अल्लाह के साथ बातें करते हैं। तो मेरा 3 साल का बेटा, मैंने उसे कहा यार क्या सीखा आज, आज मैंने पंखा सीखा, आज मैंने शमाइला सीखी, आज मैंने AC सीखा, मैंने आज बाबा सीखा। मैंने कहा बाबा का क्या सीखा तुमने, बाबा याद आते हैं मेरे बेटे को, तो उसने कहा हाँ याद आते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह से दुआ करो आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, कहते मैंने नहीं अल्लाह से दुआ करनी। मैंने कहा क्यों, अल्लाह मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं सोचती थी अल्लाह ये क्या बात है, एक 3 साल के बच्चे का इतमाद उठा दिया मतलब, और एक ये दूसरी बच्ची है जो हर वक्त अल्लाह से पता नहीं क्या दुआएं मांगती रहती है, और ये ऊपर बालकनी में खड़ी होती है सबको जाते हुए देखती है और कहती है कि सबका बाप जा रहे हैं, मेरा बाप किधर है, मेरा बाप तो है ना। अब मर जाए तो बंदे को सुकून आ जाता है कि यार ठीक है कहानी ख़त्म हुई, लेकिन एक जिंदा बाप जिसके, मैंने कहा मैंने फिर एक दिन उसे कहा, मैंने कहा बेटे अब डिसाइड कर लो, या तो मतलब ये आप नहीं भी करोगे तो इस पेन के साथ तो आपको रहना है। अब वो बाप आपका, आपने कितनी दफ़ा कोशिश की, आपने कितना सारा कुछ किया, वो नहीं देखता आपकी तरफ पलट के, तो बस डिसाइड कर लो ना ये वाली बात के नहीं है, अल्लाह पाक के नबी की ज़िंदगी में भी नहीं था, तो आपकी मामा तो आपके पास है, और व्हाट इफ मामा भी नहीं रहती, तो आपका अल्लाह तो है आपके साथ। तो मुझे ये वैसे रोना भी बड़ा आता था कि यार ये आपने
इसलिए ये सारा कुछ किया था कि बच्चों का बाप सलामत रहे, बच्चों के सर के ऊपर चलो इतनी को कवरेज मिलती रहे, खाते रहे आप पैसे, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन आपने तो यार वाकई फैसला सही किया था, आप अपने आइडिया के साथ स्टक के, कि आपने अगर पहले दिन से कहा था कि ये बच्चा पैदा नहीं होगा तो आपके वो कॉग्निटिव मैप में वो बच्चा रजिस्टर ही नहीं हुआ। वो बच्चा 6 साल का हो गया आपको लग रहा है वो है ही नहीं है, 5 साल का हो गया आपको लगा है ही नहीं है, 3 साल का आपको लगा है ही नहीं है, तो फिर शादी करने का मकसद? आप तो बड़े मतलब अल्लाह वाले हैं, हर दफ़ा मस्जिदों में भी जाते हैं, बड़ी कलगियाँ लगा के लोगों से मिलते हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, किधर स्टैंड करते हैं? आखिर कुछ खा के ही नींद आती है आपको? ऐसे थोड़ी आती है। और बच्चियों का पहला एक्सपोजर जो हुआ सोशल वो क्या था? टीचर को बताना पड़ा, वो फादर डे था, वो कहे मैंने स्कूल नहीं जाना। मैं कहूँ बेटे क्या हुआ तू? नहीं मामा मैंने नहीं जाना स्कूल। रोती हुई आ गई और उसने अंदर जाके एक पेज पे बनाया, कबर बनाई उसने, ऊपर लोग बनाए। मैंने कहा बेटे ये क्या है? मामा आपको कुछ दिखाना है? शी वॉज क्राइंग। मैंने कहा क्या दिखाना है, दिखाओ बेटे। तो उसने कहा ये बाबा की कबर है। मैंने कहा तो ये जो ऊपर है, मैंने सोचा कि कहेगी कि बच्चे। उसने कहा ये उसके वो लोग हैं जिसके इर्द गिर्द वो चला गया। मैंने कहा अच्छा तो बच्चे की तरह? उसने कहा बच्चे तो उसके लगते ही नहीं थे कुछ, इसलिए तो हमें छोड़ के गया। तो फिर मुझे उसकी टीचर को जाके बताना पड़ा यार कि ग्रुप में कोई शेयर ना किया करो बाप वाली चीज़ें, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाप नहीं हैं, बच्चे बड़े दिल दुखते हैं। मैंने कहा अगला कॉन्सेप्ट मैं इनको बाद में सिखाऊंगी कि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बाप नहीं होते हैं, तो आपको आप उन्हीं में से हो, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द किन लोगों को रखना है, किन को उधर से निकालना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, और आपसे कौन सा वाला काम लेना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, आपको किस काम के लिए अल्लाह तैयार कर रहा है। तो वो जो बाबा जी कहते हैं कि शायद आपकी दुआएं भी होती हैं, आपने वाकई अल्लाहुम्मा अस्सलकुअलमनाफियन रिजकन तैयबना मतकबलान पढ़ा था, तो वाकई फिर वो मतकबल दुआएं मतकबल अमल और वो सारे पाक तैयब रिज़्क आप तक फिर किस बात के गिले। लेकिन बहरहाल जो मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चे मेरे को वेरी फर्स्ट डे से उतना लंबा पेंटा, लेकिन मैंने शायद किसी और तरीके से सोचा था, अल्लाह को यही मंजूर था। तो हाँ अब उनका सोशल इंट्रैक्शन जो हम मैं ये सोचती थी कि 7 साल बाद 6 साल बाद ये होगा कि मैं उसको अब्यूज़ से बचा सकूँगी जो सेक्चुअल अब्यूज़ होते हैं, तो ट्रस्ट मी के इसी तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास 14 साल से, बाप ने बेटी का रेप कर रहा है, बेटी जो मतलब भाई भाई का कर रहा है, चाचे मामे तायों की तो बात ही हुई नहीं है ना, तो भाई बहन का कर रहा है। तो मुझे लगता था ये, और मेरे स्टूडेंट ही हैं वो सारे, तो मुझे कभी कोई चीज़ बईद नहीं लगती थी, मैं कहती थी अच्छा कोई बात नहीं चल रहा है, ये वाला डर लगता था अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं होने देंगे, मैं शायद कोई प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरी बच्चियों का सोशल फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ तो वो यतीम के तौर पे हुआ कि यार इनके इनके इन पे ना ज़रा थोड़ा शफकत करना, क्योंकि अब मुझे मतलब कमाना भी है, मुझे जे मतलब ये थाने कचहरियाँ भी भुगतनी है, मुझे जो है ना ये भी डर खतरा लगा रहे कि यार ये अब गुस्से में इसको उठा कर ना ले जाए बच्चा, और पता नहीं इसके साथ क्या ना कर दे। मतलब आप अपने घर में ही खौफ में, आपके बच्चे आप ही से खौफ में हैं, अल्लाह ने तो आपको प्रोटेक्टेड शेल्टर बनाया था यार, दूसरों से खौफ में मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके होते हुए फिर मर्द किस बात के हैं कि आपकी औलाद को कोई मतलब कोई तत्ती हवा लग जाए, आपकी बीवी को यार कोई चार रखो अल्लाह का वास्ता रखो, लेकिन देखो चारों को फिर प्रोटेक्शन दो ना यार, फिर वो वाला रुतबा दो ना अल्लाह के नबी जिसकी सुन्नत का नाम लेके करते हो, तो फिर उसकी सुन्नत वो सामने हो तो क्या जवाब दोगे? और कब्र में ठीक है, मेरी बेटी ने उसे कहा कि बाबा आप तो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, आप हाफिज़ भी हैं, आप जो है ना वो मस्जिद में भी जाते हैं, आप जुमे में भी जाते हैं, तो आपको अल्लाह से डर लगता है? उसने कहा हाँ मुझे लगता है। तो उसने कहा आपको क़यामत से डर लगता है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा जहन्नुम से लगता है? हाँ लगता है। तो उसने कहा फिर आपने हमारा ये मामा का पैसा खाया, फिर उसको मारने की भी कोशिश की, और फिर ये सारा कुछ चल भी रहा है? तो कहा चुप कर जा रही, चल जा इधर से चला जा मेरे पास। तो पता नहीं, तो मेरा तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरी शान है, कभी जब मैं खुद पढ़ती होती थी मेरे पैरों में छाले पड़ते होते थे, फूट जाते थे, मैं कहती थी अच्छा एक टाइम आएगा। अब मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, कभी भागती हुई सौदे लेने जाती हूँ, कभी मैं ज़ाहिर ऑफिस में जाती हूँ, बड़ी मोतबर सीट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन फील ही नहीं हुआ कभी यार। अब छाले बनते हैं टूटते हैं, कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों आप लोगों की भी ज़िंदगी में वही वाले सब मामलात हैं, तो चलना तो है। तो लेकिन उनका सोशल इंट्रैक्शन ज़ाहिर है आपकी अपनी ख्वाहिश पे नहीं चलता है, उनका सोशल इंट्रैक्शन पहला जो है ना वो यतीम के तौर पे है और बाप के होते हुए। अल्लाह भला करे, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे अगर मेरे पास नौकरी ना होती या मैंने पढ़ा ना होता
तो मैं अपनी बच्चियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती, कैसे दो टाइम की रोटी दे सकती, वो तो रब है ना जिसने वसीले बनाए हैं। तो वो बच्चियाँ जिन या वो औरतें जिनके मियाँ बड़ी अच्छी सुन्नतें निभाते हैं या मतलब उनका सारा माल खा जाते हैं या बच्चे पैदा नहीं करने देते हैं या पता नहीं ये क्या फ़लस्तीन में जाके हमने बच्चे बचाने हैं या हमने कश्मीर में जाके बच्चे, हमारे तो अपने घरों में गदर है, हमारे तो अपने बच्चे अपने उससे नहीं बचे हुए, तो मैंने क्या किसी के लिए क्या उसमें, तो पता नहीं। बहरहाल अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है, कब्र है, नियतों का जाना जाएगा और बच्चे पल जाएंगे, पलते ही हैं, सारे पलते आए हैं, ये भी पल जाएंगे, तो पता नहीं। हमने सोसाइटी में एज ए मतलब इंसानों पे अगर कहें, हमने इन्वेस्ट किया, हमने नहीं किया है, हमने बिल्डिंगों पे इन्वेस्ट किया है, हमने ब्रांडेड पहना सीखा है यार, ब्रांडेड गाड़ी सी लेनी सीखी है, वो भी तो गांव से ही आके सीखी थी ना, थोड़ा रिश्तों को निभाना भी सीख लेते, औलाद से कैसा सलूक करना है वो भी सीख लेते, खुद मार पड़ी थी आगे ना मारते यार, जब माँ को कुट पड़ती थी आपको पता था ना तकलीफ होती है, तो कम से कम वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना सोसाइटी ने ट्रेन किया है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया है, और अल्लाह के फजल से हमने खुद भी कोशिश नहीं की है, तो ये साइकिल इंटरजनरेशनल वायलेंस वाला कहीं पे ख़त्म होने वाला नहीं आंटी लानलेस, इस पर कोई कॉन्शियस एफर्ट ना की जाए। जब कॉन्शियस एफर्ट होगी, जितना बिल्डिंगों को संवारने में, घरों को लेने में, गाड़ियों को लेने में, ब्रांडेड पहनने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमने टाइम लगाया, इतना अगर हम रिश्तों में लगाएंगे तो ये वाले मसाइल ही ना आए। अब ये देखें जिन मसाइल के लिए हम यहाँ आए हैं, इस्लाम में तो इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, बड़े सादे से मामला थे, मतलब कमाल ही हो गया है, मतलब कमाल ही हो गया है। बच्चे पैदा ना करो, बच्चे पैदा ना होने दो, अबॉर्शन करवाओ, यूट्रस नहीं लगवाओ, माल खाओ, भाग जाओ और सुनते अदा करो, पता नहीं। बहरहाल वो अगर सूरह रहमान ना होती, रहमान ना होता, तो पता नहीं फिर हमारे जैसों का क्या हाल होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो है, इसलिए मतलब मूवमेंट टू मूवमेंट स्ट्रगल होती है, मूवमेंट टू मूवमेंट आप जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत है, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है कि जिस दिन मरेंगे ना वो दिन बड़ा ही हो रहा है, अल्लाह बस बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतने जो गए थे बस इतना ही समझना, यही काफ़ी है। लेकिन मेरी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेच्योर हैं, मेरा बेटा बड़ा मेच्योर है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये वाला तड़का हमें ना लगा होता तो मेरे बच्चों पर तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो पाना था। तो ना तकलीफ दे भी है, खूबसूरत भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर आपने उससे बहुत कुछ सीखा है और रब आपसे ड्यूटी लेगा, डेफिनेटली लेगा, जितनी आपकी समझ है, जो आप सोच रही हो करने का, या फिर आपकी अगर आपके इन लॉज में या उस सारे ख़ानदान में एक चीज़ चलती आ रही थी, अब आप कोशिश करेंगे, यही करेंगी ना कि आपकी वो जनरेशन जो आपके पास औलाद है, अगर आप उसमें वो नहीं आने देंगी तो रब ने आपसे काम लेना है, ठीक है। तो कोई एक इंसान तो नस्ल बदलने का ज़रिया बनेगा ना, तो फिर आने वाली नस्लें जो हैं वो इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, ठीक है। वो नियत देखता है और ये आपकी अपनी ही असल में बचपन की दुआएं हैं, ठीक है। वो जो आप दुआएं करती थी ना कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है, ये थोड़ी मकसद है कि शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और ये कर लिया, तो वो रब ने काम तो लेना है अब आपसे, ठीक है। और जिनसे उसने बड़े काम लेने होते हैं उन्हें वो तकलीफ़ों में से गुजारता है और बचपन से गुजारता है, ठीक है। वो आपको ऐसे ही लगता है कि वो मतलब आपको लगता है कि बस जी जिस काम में हाथ डालो, जिधर जाओ ना, बस आगे से कोई ना कोई चपेड़ ही पड़ती है, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। कि मेरे इर्द गिर्द मतलब मुझे जो भी तकलीफ़ आई है ना, कि मेरे इर्द गिर्द कोई रहम करने वाला नहीं मौजूद, या मेरी तकलीफ में कोई खुश हुआ है, सारे मेरे इर्द गिर्द पता नहीं फरिश्तों की तरह मतलब जमा हो जाते हैं, और मुझे पता ही नहीं लगता उस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकल आती हूँ ना, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है, बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा होता है आपकी जर्नी में, सफर है ना पूरा। जब आपने अपनी पूरी कहानी का एंड किया, आपने कहा कि अब मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं कहती हूँ बस, आपने ये तो खुद भी अपने आप को भी आपने ये बता दिया ना कि आपने डॉट्स कनेक्ट किए सारे के सारे, ठीक है, जिंदगी के। तो कभी कभी जब बैठ के डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो लगता है कि कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसे ही होनी होती हैं, उससे इंसान ने कुछ सीखना होता है, इस चीज़ का ये मकसद था, इस चीज़ का ये वजह थी, ये ऐसे होना था, ये वैसे होना था, ये रब एंड में क्या आप कह रही हैं क़यामत, ठीक है ना। क़यामत तो आपने दुनिया में भी देख ही ली है एक दफ़ा, ठीक है, क़यामत तो दुनिया में भी आती है बार बार, ठीक है। तो वो तो
क्यामत थोड़ी है, वो तो आप विसाल मांग रही है ना कि अब किसी दिन अब विसाल अच्छा, वो क्यामत से का भी ना जान छुटे यहाँ से, ठीक है। क़यामत का भी मैं आपको एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया, मुझे ये लगता था कि हम ये कहते हैं कि भाई मकाफ़ाते अमल है, पता नहीं अगले का क्या मतलब हो जाएगा। अब मुझे ये समझ आती है कि यार देखो मकाफ़ाते अमल तो इधर ही है ना, मुझे नींद आ जाती थी, मुझे कभी नहीं परेशानी हुई कि इसने मुझे जलील किया, मुझे कभी नहीं परेशानी हुई, मुझे मैं वही मतलब मुझे नहीं कभी याद पड़ता कि मुझे कोई गोली खानी पड़ी हो या मुझे कोई मेरे मिग्रेन हुआ हो या इस सारे सिनेरियो पे भी मेरे बच्चे कभी कहीं बीमार हुए हों, वो इतना सारा जो पेनफुल आप कह लेंगे प्रोसेस होता है 3 बच्चे पैदा करने का, सी सेक्शन, ऊपर से जॉब है, आपको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही है और आप इस वजह से डरते हुए आप मैटर्निटी लीव भी नहीं ले रहे कि अगर मेरी तनख्वाह ना आई तो डॉक्टर साहब का मूड ख़राब हो जाएगा। और मैं 8वें दिन पहुंची होती थी उधर कि भाई मैटर्निटी लीव नहीं है, मुझे मेरे घर में पैसे जाने चाहिए ताकि मेरी बेटियों को और मुझे पनाह मिल जाए ना। तो मुझे ये लगता है कि अब जब फिर वो थाने कचहरियों में गए हैं या पूरी सोसाइटी में गए हैं या इवन उसके भी घर वाले या सारे उसने, तो वो जहाँ जहाँ भी गया है उसको खैर कोई नहीं पड़ी है, किसी ने नहीं उसको अप्रिशिएट किया और सारे यही कहते थे कि यार ये बंदी और मेरे लिए किधर से असबाब पैदा नहीं हुए। मैं कहती थी अल्लाह और कौन सी क़यामत आनी है, क़यामत तो इधर की इधर ही है, इसको नींद नहीं आती, इसको मिग्रेन होता है, इसके पास सारा कुछ है, फिर इसको क्या चीज़ है कि इसको मतलब कुछ फील नहीं होता है। तो वो क़यामत तो है और मकाफ़ाते अमल तो है, साथ साथ ही है। तो आज मैं कहती हूँ यार वो बंदा किधर स्टैंड करता है। मेरी अम्मी कहती है भाई उसके लिए रहम की दुआ मांगा करो, काबिले रहम तो वो है। अच्छा सूरह रहमान पढ़ने के बाद मुझे दो तीन दफ़ा ख्वाब आए वो ख्वाब सुना दूँ, मैंने कहा सूरह रहमान सुनने के बाद, हाँ सूरह रहमान सुनने के बाद जो मुझे ख्वाब आए उसमें एक ये वाला था कि ना बड़े खुलियों की तोड़ फोड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा सब ठीक है। फिर कुछ दरमियान में एक ख्वाब आया कि भाई इसी तरह से जैसे कोई महफिल लगी हुई है और मैं आई हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन मैं चली गई हूँ। मैंने कहा लगता है काफ़ी रश है और मैं देख के चली गई हूँ। जो उधर की खातून है ना जो कि जिसके पास लोग सारे आ रहे हैं वो खुद मेरे पास आई है और वो इस तरह दो जानों होकर बैठ गई है, मैं उसके साथ मतलब बैठी हूँ। और मैंने कहा हाँ ये तो सबको छोड़ के मेरे पास आ गई हैं और सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई है। मैंने उनके ना इधर मतलब सर रखे है मैं और मैं रिलक्टेंट हूँ थोड़ी सी, लेकिन उसने मुझे 5-6 दफ़ा कहा है कि सब ठीक है, सब खैरियत है, बेहतरीन है, सारा कुछ सही है, बस 2 से 4 की जो है ना वो प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं समझ आया मैं पूछूं कि 2 या 4 दिन की प्रॉब्लम है, 2 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉब्लम है, 2 महीने 2 साल की प्रॉब्लम है। मैंने कहा खुद ही बता देंगे, मैं चुप कर गई ना, तो फिर वो यकीन करेंगे ये नंबर मुझे कहाँ से मिला और फिर मैं इधर कैसे आई हूँ। तो मेरे लिए तो ये था कि लो भाई जो इतने साल से इतने सदियों से मैं लगी हुई थी, पता नहीं लग रहा था बड़ा लंबा सफ़र है, तो ये वाकई 2-4 दिन की बात थी। ये मैंने तो कभी नहीं ट्रेस किया, मैं सुनती थी लेक्चर लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। एक होता ना कॉन्शियस एफर्ट करें आप यहाँ तक पहुँचाने में, तो मुझे लग रहा था कि अब वो टाइम जिसके लिए मुझे रगड़ा गया था वो आ गया। मुझे लगता है अब शायद अल्लाह मुझसे कोई खैर का काम, हाँ अब ठंड प्रोग्राम है कोई काम ले अल्लाह मुझसे। सही है, कम से कम आपने इस महफिल में सब बैठने वालों को ये यकीन दिलाया है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ठीक है लेकिन रब तो साथ है। ये मेरी अब मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती बताते हुए। मेरे जो भी मुझे मिलता है ना जो बड़ा रो पिट रहा हो मैं क्या मेरी गल सुन लो जे मैं बच गई ना तो सारे ही बच सकते, मेरे से ज़्यादा क्या ट्रॉमा हुआ होगा यार, क्या छोटी छोटी बातों पर रोते हो, मियाँ ने ये नहीं किया, मियाँ ने वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और छाड़ दो गल्ला यार। मतलब मुझे वो बातें रजिस्टर नहीं होती है कि इधर अगर मुझे इंसान भी नहीं समझा गया और मेरी यूट्रस सगने वाले के लिए और मेरे बच्चे तक अबॉर्शन, वो एक इंजेक्शन लगाता है यार मेरा बच्चा बोर्ड, लेकिन अगर फिर उनके घर में एक मूसा तो मुझे लगता है ये तीनों मेरे घर में मूसा किधर फिर रहे हैं। तो अल्लाह इनकी ट्रेनिंग करेगा ना यार, क्यों नहीं करेगा। और वो जब अल्लाह की बातें करते हैं और ज़्यादा बातें करते हैं, आज मैं अपनी बेटियों को कह के मैंने कहा यार मैंने ना तुम्हारे लिए दुआ की वो परमिशन नहीं ली, नेक्स्ट टाइम ना मैं पूछ के आऊँगी कि भाई मेरी बेटी भी मेरी दोस्त है तो मैं उनको ले आऊँ इसमें, तो उसने कहा हाँ मामा फिर आप जाएँ, वरना मुझे किसी चर्च पर आने जाने ही नहीं वो उसमें देते। उन्होंने कहा हाँ फिर आप आ जाइएगा, मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँ। तो वो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ ये अभी से ट्रेंड हो रहे हैं, इनका लंबा सफ़र नहीं है मेरे जितना, होपफुली जो मैं नहीं कर सकी वो मेरे बच्चों से अल्लाह लेगा। और फिर उस इलाके से जहाँ से मैं पढ़ के नहीं गई, फिर अब उस इलाके के हर बंदा मतलब अब हर कोई पढ़ता है, मैं नहीं जाती हूँ लेकिन वो मुझे याद रखते हैं, सबको पता है कि यार इधर से कोई एक बंदी निकली है जो है, लेकिन मैं मतलब पीछे नहीं गई फिर क्योंकि आगे का सफ़र इतना और तरह का है, तो वो याद तो रखते हैं। जगह तो बदली, कम से कम फ़र्क तो पड़ा,
और उधर भी जो वो इस तरह से, हाँ उनने कहा कि बाजी तू केड़ियाँ गल्ला कीती रखनी, या मैंने उन्हें कहा ना कि यार ये अपना कुछ तो पैराडाइम बनाओ, आपकी बच्चियाँ हैं उनकी इज्जतों का वो है, तो उन्होंने कहा बाजी तू केड़ियाँ गल्ला करती रहनी इतने मैडम बनी फिरती रहनी तू, ए साढ़े हाँ मझा औरतं खोतियाँ गावं कुत्तियाँ कट्ठिया ही फिरदियाँ रहनियाँ, असी तो कदी नहीं इन्हों का मतलब वो मतलब उनके लिए मतलब भैंसों गाँव बकरियों और औरतों में कोई फ़र्क नहीं है, तो वो कट्ठी फिरती रहती है और उनकी औकात भी साथ इतनी हुई है, तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कुछ तो निकलेगा ना हाँ इंशाल्लाह। और यहाँ पे पहली दफ़ा कौन हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, किसी की जुरत नहीं होती, किसी के हालात इजाज़त नहीं देते, ठीक है, और कोई वैसी शर्म किसी में ज़्यादा होती है, ठीक है, कि वो बेचारा उस किसी के पास अल्फाज नहीं होते, तो जब आप बोलते हैं तो आप किसी के लिए नहीं बोल रहे, आप उसके लिए बोल रहे हैं, रब के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप रब की ही गवाही दे रहे हैं। उन्होंने जो पूरी बात की है किसकी गवाही दी है, तो ज़ाहिर रब की गवाही दी है, अल्लाह ही सब कुछ है। हाँ, तो वो आपने आप जितना भी बोलते हो ना, जो भी बात करते हो, अपनी हड्डबीती जब भी सुनाते हो, तो वो आप ऐसे ही समझ लें कि आप रब की मॉडलिंग कर रहे हैं। उसकी मॉडलिंग तो शौक से करनी चाहिए, ठीक है, जो दिल में आता है वो बोले। आप सूरह रहमान से कैसे तारुफ हुआ? अगर बंदा अपने रब के लिए, रब का हुक्म है कि वो अपने मियाँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, अगर वो उसे वो रब के लिए इतनी मोहब्बत करती है, तो फिर जो मियाँ है वो सब के लिए अखलाक हो और उस अपनी बीवी के लिए अखलाक ना हो, तो वो तो रब के लिए करती है, तो फिर रब ने ही उसको सीधा करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप पहले अपना तारुफ दें, ठीक है, और बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची और सूरह रहमान से कैसे आपका तारुफ हुआ। डॉक्टर बाबा के जो हैं वीडियोस वो सुनती थी, मुझे बड़ा शौक था, उसके बाद इसको माइक को थोड़ा करीब कर, फिर जो बाबा शाकर उज़ैर हैं, मैं इस्लामाबाद गई, उधर मैंने बहुत सारी ट्राई की कि मैं ना उनसे मिल के जाऊँ, लेकिन वो मुझे एड्रेस नहीं मिल सका, ठीक है। मैंने इधर भी काफ़ी दफ़ा कॉल की, लेकिन ये हर दफ़ा ये होता था कि रिफ्यूज़ होता था। मेरा नाम रज़िया खानम है, ठीक है। उस दिन फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों ने मुझे टाइम ना दिया तो मैं मर जाऊंगी, तो वो शायद आप थी, कौन था कि उन्होंने कहा कि नहीं मरे ना तो अच्छा। आपको जो है वो हम लोग बुला लेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर वापसी पे ये था कि तो मिलना क्यों जा रही थे, बस दिल कोई तजर्बा था, आपने कोई 7 days सूरह रहमान सुनी नहीं, वो मैंने सुनी थी। किस मकसद 7 days मैंने सुनी थी, मैंने अपने मियाँ को, असल में मुझे डिप्रेशन था, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, एक 9th में है और एक 10th में है, ठीक है, तो मेरे पास बेटा नहीं है। अच्छा। जब बेटा नहीं था तो मेरी जो सास है वो सब लोग बातें करते थे, तो मुझे इससे ना बड़ी टेंशन होती थी, उसी टेंशन में मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया, ठीक है। मैं इस कदर चली गई कि जब भी बच्चों को देखती थी, माएँ उसकी आती थीं वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो मैंने रोना शुरू कर देना। मेरी बहनें जो थीं वो मुझे हौसला देती थी कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनको भी तो स्कूल भेजती हो, लेकिन समझ नहीं आती थी कि, हालांकि मैं सब कुछ समझती भी थी कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से है, ये है, मेरे मियाँ का भी कोई मुझ पर प्रेशर नहीं था, लेकिन समझ नहीं आती थी कि जो बाकी बातें थी वो सुनते सुनते मुझे इस हद तक वो मैं शौक में चली गई। मेरे ट्विंस बेबी थे वो मिसकैरिज हुआ, उसके बाद जो है वो ऐसे मेरी सूरत हाल हो गई। फिर मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, उसके बाद तकरीबन 7-8 साल से मैं मेडिसिन खा रही हूँ। बीच में मैं उमरा पे गई, वहाँ पे फिर मैंने उसको छोड़ मेडिसिन छोड़ दी, लेकिन कुछ अरसे के बाद ना फिर दोबारा मुझे होना शुरू हो गया। अब उसके बाद फिर कभी शुरू कर लेती हूँ, कभी ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैंने ये 7 दिन सूरह रहमान सुनी। कहाँ से सुना, वीडियोस देखी? हाँ जी, वीडियो से सुना था, तो फिर मैंने खुद से ही सुना। वीडियोस किसकी देखी, डॉक्टर साहब देखी? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब की देखी थी, ठीक है, तो यही ज़्यादा देखती थी। के मतलब आप तो कह रही हैं कि आपने शाकिर साहब का नंबर ढूंढा? नहीं नहीं, वो यही था ना कि लाहौर में यहाँ ढूंढती थी तो यहाँ मुझे डॉक्टर साहब का नंबर नहीं मिलता था। फिर हम लोग वैसे बच्चों को लेके उधर फिराने के लिए गए, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे इस्लामाबाद गए तो मैंने कहा चलें इधर, लेकिन वो उधर ना मिल, लेकिन अंदर उस दिन मेरे इतनी अंदर तकलीफ थी ना, तो मैंने कहा बाबा जी के आज तो मेरी हद हो गई है, अगर मिले बगैर मैं चली जाऊँ ना तो मैं क्या करूं। अब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, रात को मैं रोती सो गई, सुबह उठी तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि मैंने लीला शरीफ जाना है। वापसी पे हम लोग लीला शरीफ गए, उधर बाबा मनशा साहब जो हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा,
तकरीबन 2 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, फिर वापस आ गए। उनसे दुआ भी की? उन्होंने वो कहा, जब वो उस बाबा जी के बारे में सब कुछ बताते रहे तो मैंने कहा कि इतनी शिद्दत से ये था कि मैंने जाके मिलना है, तो उन्होंने कहा कि शाकर साहब को पहले मिलना था, तो बाबा जी ने कहा कि पहले मेरे बेटे से मिल के आओ। हालांकि रात हम 11:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं, तो कह रहे थे कि मैंने जाना था, लेकिन पता नहीं बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि मुझे मेरे मेहमान आ रहे हैं तो उनसे मिलना है। फिर भी वो रात 11:30 बजे हमें मिले, 1 बजे तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद वहाँ पे जब वो बातें कर रहे थे, मेरा भांजा साथ था, अहद उसका नाम है, तो उनसे वो कह रहे थे कि चलें आप दुआ करें कि अल्लाह के सामने पेश हों, कि अल्लाह से बातें करें कि ये अल्लाह बहुत प्यारा है, ऐसे है। तो उसी दौरान ना मुझे बड़ा रोना आया, और कुछ चीज़ें जो थी जो मैंने दिल में अंदर जो दुआ मांगी थी कि ये क्या राज हैं, क्या है, तो जब मैं वापस आई तो कुछ राज जो हैं वो सारे मुझ पे खुल गए। ठीक है, उससे ये था। फिर ये डेली मैं वीडियो सुनती हूँ, लेकिन शौक़ मेरा ये था, मेरे दिल में फिर इतनी होती थी ना, जैसे कोई कशिश किसी चीज़ की हो कि मैंने ना बाबा जी के पास जाना है, हाँ जी। लेकिन ये था, फिर मैं कहती थी कि नहीं, अब मैंने डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, उधर जो है दुआ सेशन में भी, यहाँ पे भी दुआ का ही आपको बताना था। बस जब ये जब लो लगती है तो वो फिर बार बार दिल करता है ना मिलने के लिए। तो आपने खुद सुना है मान सुनी से? हाँ जी, मैंने सुनी है, मैंने अपने मियाँ को सुना है। उससे ये होता था कि जब मैं सुनी जाती थी या सुनते हुए कुछ और, मतलब तबीयत खराब तो नहीं होती थी? नहीं, तबीयत खराब नहीं, पूरी सुन लेती थी मैं, पूरी सुन लेती थी। फिर मेरी बेटी जो है उसको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो 10th की स्टूडेंट है, उसको भी जब मैं सेशन दिलवाती रही, उसके बाद फिर मैंने उसको सूरह रहमान का 7 दिन जो है ये मुकम्मल करवाया, उससे कुछ बेहतरी हुई। लेकिन घर का माहौल जो है ना वो हमारा, वो इतना है, अब मेरे मियाँ को भी डिप्रेशन है, मुझे भी है, मेरी बेटी को भी है। आपने सोचा नहीं कि आपने डॉक्टर साहब की वीडियोस कब से देख रही हैं? ये तकरीबन 1.5 साल से देख, तो साल से देख रही हूं। आपने बहुत ज्यादा, अब तो चैनल के ऊपर पता नहीं कितने, आई थिंक 1400-1500-1600 वीडियोस, उसमें टेस्टिमनीज भी बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी हड्डबीती अपनी एक्सपीरियंस बताया। मैं सोचा नहीं कि आप क्यों नहीं ठीक हुए, जब हर बंदा दूसरा बंदा कह रहा है कि जी मैं ठीक हो गया, आप क्यों नहीं ठीक हुए? अब ये है कि मैं बाकी कई ऐसी औरतें, उन्हें मैंने दुआ भी करवाई है, वो 7 दिन का वजीफे के लिए उन्हें बोला है तो वो उन्होंने किया है, वो कहती है मैं बड़े तरीका, तो वो जो है उन्होंने बड़ा अच्छा महसूस किया है, फ़र्क भी पड़ा है, मुझे भी फ़र्क पड़ा है, ये नहीं है कि नहीं पड़ा। लेकिन ये है कि वो जैसे ये बता रही थी कि हालात कुछ बिगड़ते हैं, तो शायद वो इसलिए बिगड़ते हैं कि वो सुधरने होते हैं, तो उसका कोई तरीका ऐसा होता है कि जिसमें एक दफ़ा बिगड़ के हर्डल आने के बाद फिर जो है वो तो चले हालात है ना, हालात वो तो हालात तो आप साइड पे करते हैं, कब कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो तो दोबारा भी वैसे हो सकते हैं, सही है, लेकिन असल चीज़ तो इंसान का अपना सुकून है, ठीक है, यही है कि ना खुशी है। कितने परसेंट फ़र्क आया आपको लगा कि सूरह रहमान सुनने के बाद कितने परसेंट फ़र्क आ गया आपको? वो बेहतरी होती थी, फिर वही सूरत हाल हो जाती थी। तो वो फिर आपने गौर करना था ना कि आप ऐसा क्या सोचती हैं, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने जिन लोगों को माफ़ किया वो फिर जब दोबारा वो चेंज नहीं हुए, वो बार बार मुझे अटैक करते हैं। ये तो बात हमने की नहीं थी कि आप माफ करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, नहीं नहीं, इनके वो फिर अटैक करते हैं तो शायद मेरे दिल में फिर उनके लिए जो ऐसी चीज पैदा हो जाती है। आपको शक है या यकीन है? यकीन ही है, जाहिर बात है, कुछ कुछ तो ऐसा है ना, क्योंकि असल में माफ ही नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, ना सूरह रहमान में कोई मसला है, ना आप सूरह रहमान बनाने वाले में कोई मसला है, और वो लोग भी गलत नहीं है जो कहते हैं कि हमने सुना तो सेकंड के 1000वें हिस्से में, मैं खुद उसकी एक बेनिफिशरी हूँ कि मतलब मैंने जिस लम्हे दुआ की और जिस लम्हे, क्योंकि मैंने माफ़ नहीं करी थी, ठीक है, मेरे अपने कुछ मसले थे, मतलब कुछ थे जिनको मैं माफ़ नहीं कर सकती थी, और अमूमन माफ़ उन्हीं को करना मुश्किल होता है जो सबसे करीबी होते हैं आपके, क्योंकि उनसे इंसान ने उम्मीद ही नहीं लगाई होती कि यार ये मतलब मुझे दुख पे ना पहुँचाएगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसने जब माफ़ कराना होता ना तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो मेरी जान नहीं छूटी, ठीक है, फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई,
ठीक है, और उस दिन मैं फंसी हुई थी कि मतलब जब मैं डेथ बेड पे थी कि अच्छा जी मैं अब यहाँ तो मर जाऊंगी, ठीक है, यहाँ तो वही वाली बात है कि जान कर ले या नान कर ले वाली बात हो ना, तो मैंने कहा कि नहीं जी आज सबको माफ, आज इस बंदे को भी मैं माफ कर लूँ जिसको असल मैंने पकड़ा हुआ था, ठीक है ना, वो याद आ गया मुझे, ठीक है। तो वो जब माफ किया तो मैंने एक सेकंड के अंदर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। मेरी अपनी बहन डॉक्टर थी तो उसने कहा कि मतलब ऐसे ही जैसे पेशेंट्स को हो नहीं जाता कोई जी। दिमाग पे बीमारी चढ़ जाती है तो अब उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाते हैं, तो उसने कहा कि शायद इसको ना वो हो गया, तो वो खामोश रही, ठीक है, क्योंकि बड़ी बहन भी थी मैं। लेकिन जिसम आपका गवाही दे देता है कि आप ठीक हो गए, सही है, लेकिन वही वाली बात है कि माफ़ी ये कोई कंडीशन नहीं है, सही है, ये आपकी ही बेहतरी है, ठीक है। आप ऐसा होता है कभी कभी इतना हल्का उनका गुस्सा है आपको, हाँ जी ठीक है, वो गुस्सा और नफरत सबसे पहले आपको अफेक्ट करेगी। अब ये होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई, मैं हल्की फुल्की हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे अपनी बेटियों की तरफ से, अपने मियाँ की तरफ से वो बर्डन पड़ता है, आपस में मूड ख़राब होते हैं, फिर ये बच्ची कुछ ऐसी बात कर देती है, मियाँ कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा अटैक होना शुरू हो जाता है, हालाँकि मैं बिल्कुल ईजी हो जाती हूँ। आप खुदा है? नहीं, नहीं है। मानती है कि नहीं है? तो फिर आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ ये तो है, तो कंट्रोल अल्लाह को दे दे। बस कोशिश करती हूँ कि अपना घर, बिखरा हुआ घर जो है ना, इसको संभाल सकूँ, लेकिन वो नहीं मैं संभाल पा रही। तो वो भी संभालने वाला है जो है, तो आपने क्या संभाल? बस यही तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे इस बिखरे हुए घर को संभाल ले। कैसे संभालेगा? तो मैंने तो दे दिया है, मैं थोड़ी देती उसको मांगती। जब आप दोबारा टेंशन लेती हैं तो फिर कंट्रोल तो नहीं दिया आपने ना, ये तो है। अगर आपको तो आप बहुत, जैसे अगर आप मानती हैं कि आप बहुत सिंसेयर इंसान हैं, ठीक है, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं एतबार और ट्रस्ट का तो ये लेवल होना चाहिए कि मैंने अगर आपको कोई काम कह दिया है तो फिर मुझे भूल जाना चाहिए कि ना ये तो कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये भी बदतमीजी है कि मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें याद है ना कि तुमने करना था, या मैं ये पूछूं आपसे चार घंटे बाद या एक दिन बाद, दो दिन बाद, कि तुमने कर दिया है। नहीं, एतबार का लेवल ये होना चाहिए कि मुझे यकीन हो कि आप कर चुकी होंगी, ठीक है, मैं रसीद लेने ना आऊं कि किया है या नहीं किया, ठीक है। तो रब के साथ भी यही मामला है हमारा, ठीक है। आपको, हमें उस पर उतना यकीन ही नहीं होता कि ये उतना अच्छा दोस्त है हमारा कि ये सब कर देगा, कि मैं आंखें बंद करके सुकून से सो जाती हूँ, ठीक है, सारे खसमा नु खाओ सारे, ठीक है ना। उनका भी रब ही है, आप नहीं होंगी तो वो हो सकता है कि आप यहाँ पे ना हो, ऊपर से बैठ के देख रही होंगी ना, तो ये ज्यादा हंसी खुशी रह रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो आप टेंशन ज्यादा ले रही हैं, तो आजाद कर दे उनको, रब के सबूत करे ना। नहीं वो तो वो नहीं, नहीं, वो नहीं किया ना आपने, वो आप कह रही हैं कि मैंने कर दिया, वो आपने नहीं किया, यही तो है। अगर वो मुकम्मल हो जाता तो फिर मुझे टेंशन तो नहीं होनी थी, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, मेरे अंदर भी है ना फॉल्ट। कोई बात नहीं, कोशिश करें, आज जब दोबारा दुआ होगी ना, अब दोबारा उनको रब के सपोर्ट, तो इसी वारिस वो है, इसी फॉल्ट को तो खत्म करने के लिए आई हूँ कि मेरे अंदर भी ये खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? जब आप लोग दुआ करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो मेरे अंदर जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। फिर आप हमारी इज्जत रख लीजिए, आप ही खत्म करके जाएंगे, ठीक है। ये आपके अंदर ही चीजें होती हैं, ये अंदर ही सवाल है, अंदर ही जवाब है, आपके पास खुद भी जवाब सारे हैं। आपको लग रहा है कि आप यहाँ जवाब लेने आई है, नहीं, जवाब आपके पास पहले से ही था, घर में बैठे भी था, ठीक है ना, बस आपके दिल की तसल्ली नहीं हुई तो आपने कहा कि यहाँ पे मैंने आना है, ठीक है, और यहाँ पे भी आके आपको भेजना उसी की तरफ ही है, वहीं सरेंडर करना है आपने। और जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगी आप यही टेंशन लेती रहेंगी और आपको लगेगा कि दुनिया ख़त्म हो रही है, ठीक है, और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा होता। आपकी नज़र जिस दिन बदल जाएगी ना, सही है, आप टेंशन लेना छोड़ देंगी, आप देखिएगा कि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बड़ी परफेक्ट होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर आप एम ही स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी आजमा के देखिएगा कि एक जो चीज़ आपके सामने आई है, कोई टेंशन आई है, बच्चे के, आपके बच्चे की कोई बात आपको नज़र आ रही है, आपको उसके ऊपर स्ट्रेस हुई, आप उसको छोड़ के देख लें कि समटाइम्स कोई बच्चा कोई बात नहीं मान रहा होता, वो बार बार एक हरकत कर रहा होता है,
अगर आपने एक दफ़ा मना किया, दो दफ़ा किया, तीन दफ़ा किया, नहीं हुआ, उसको छोड़ दें। आप खुद देखिएगा हफ्ते बाद जब आप उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, हफ्ते बाद आप खुद देखिएगा जो चीज़ आप उसको मार के सिखा रहे थे वो खुद सीख चुका होता है, ठीक है, क्योंकि आप कंट्रोल उसको देते हैं। तो आप तो नहीं सिखा सकी दुनिया की माँ, लेकिन वो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, वो सिखा लेगा अपने टाइम पर। आप पहले उसको माँ माने तो सही ना। आप अभी तक आपको अपनी ममता पर यकीन है? नहीं, नहीं नहीं, आपको अपनी ममता पे भी यकीन है और आपको यकीन है कि मैं घर की सरबरा हूँ, मैंने घर जोड़ना है, जोड़ने वाला भी वही है, वही है, हम नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम जोड़ सकते हैं। ये तौफीक वो देता है, ठीक है, वो तौफीक रब हमें दे, लेकिन इस बात पे यकीन रखें कि वो ही जोड़ता है तो वो जोड़ लेगा। जब बेटियाँ होती हैं तो उनको भी कहती हूँ कि बेटा माफ़ कर दो, तो वो आगे से जो मेरी बड़ी बेटी है मुझे ये कहती है कि आप तो कहती हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन कोई बात होती तो कहती माँ मुझे लगता है कि आपने भी माफ़ नहीं किया। आप जिस दिन माफ़ करेंगी ना, आप अपनी बेटियों को मत कहें कि वो माफ़ कर दें, इस बात पर यकीन रखें जिस दिन आप माफ़ कर देंगी ना, वो खुद ब खुद माफ़ कर देंगी, वो आपसे जुड़ी हुई है। हाँ सारे ठीक है ना, वो आप नहीं माफ़ कर रही तो वो कैसे माफ़ कर देंगी? हो सकता है उनके दिल में इतनी बातें हुई ना जिनको आप कह रही हैं कि करें, वो आपका सारा कुछ ट्रांसफर हो रहा है। असल में ये होता है कि मेरे मियाँ जो है ना, उनका मेरे साथ जो बिहेवियर है ना वो इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, तो जिसकी वजह से मेरी बेटियाँ अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। अब पहले हालांकि वो अपने बाप से ज़्यादा अटैच थी, अब वो मुझसे हो रही हैं, तो मैं उन्हें हर्ट होना बंद कर देना, तो उसको कहती हूँ कि ना ना ऐसा किया कर बेटा, कोई बात नहीं है, तो वो कहती हैं कि नहीं जो है ना ऐसा क्यों होता है। कोई बात नहीं, आप फिर भी अपने हस्बैंड की उनके सामने तारीफ ही किया करेंगे, ये तुम्हारा बाप है तो यही तो करती हूँ, तो वो कहती हैं कि हमेशा फेवर अपने मियाँ की करती हो, तो मैं कहती हूँ मैंने जन्नत भी तो लेनी है। कोई बात नहीं, वो ऐसे सा खुद ब खुद समझेंगी, वो आपको एक दफ़ा कहेंगी, चार दफ़ा कहेंगी, जब देखेंगे ना आप भी पक्की हैं, ठीक है, तो वो खुद एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने की आदत हो जाएंगी। लेकिन असल चीज़ जो आप कह रही हैं, जिससे वो भी जहाँ से वो हर्ट हो रही हैं, वो असल आपका दर्द है, वो फील कर रही हैं। आपको लग रहा है कि वो उनको देख के इस तरह करती हैं, नहीं, वो आपको देख के तकलीफ में आती हैं। जिस दिन आप खुश रहना शुरू होगी ना दिल से, ठीक है ना, तो वो जाहिर बात है जब मैं तकलीफ में होती हूँ तो वो मुझे फील तो करती हैं ना, जाहिर बात, तभी तो वो तकलीफ में होती हैं ना। इसका हल आपके पास ही है, आप खुश रहा करें। अल्लाह अल्लाह तक ठीक नहीं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे ना, इंशाल्लाह नहीं, ये करना आपने ही है, रब पे छोड़े वो कर लेगा, ठीक है, कोई इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। आएंगी इधर ही घूम फिर के इसी पॉइंट पे आएंगी बार बार, जितनी जल्दी कर लें आप, जितनी जल्दी सरेंडर कर लें उतनी जल्दी इंसान का पेंडा कम हो जाता है, नहीं तो पेंडा बड़ा लंबा होता है। यही तो कह रही हूँ कि सरेंडर कर लेती हूँ अब बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, फिर कोई ना कोई ऐसा झटका लगता है तो वो फिर दोबारा वही हाल, वो आपको टेस्ट किया जा रहा होता है ना कि आपने सही वाला किया, उसमें मैं नाकाम हो जाती हूँ, तो आप पास नहीं होती ना, फेल हो जाती है। हाँ तो यही तो इसीलिए तो आई हूँ कि मुझे पास करवाए, मैं क्यों फेल हो रही हूँ बार बार। नहीं, आपने चोर चोरी से जाता ना, हेरा फेरी से नहीं जाता। हाँ जी, तो वो टेस्ट किया जा रहा होता है ना कि भाई अभी पूरा किया था कि नहीं किया था, लेकिन आप पहले पॉइंट पे साबित हो जाती है कि नहीं कर सकती, फिर आपको यकीन आता है कि आपने अभी सरेंडर नहीं किया। यही तो कह रही हूँ कि वो फिर मुझे खुद फील होता है कि अभी तक मैं ही गलत हूँ। कोई बात, मेरी इस्लाह कर दे, अपने आप अगर मैं अगर मेरी इस्लाह हो जाए तो हो सकता है सारी अपने आप को भी माफ कर दे सरकार। आप भी खुदा थोड़ी हैं, परफेक्ट थोड़ी हैं, आप इंसान है ना, तो इंसान इसीलिए तो मानती हूँ कि गलती का पुतला है इंसान, तो वो मैं गलती अपने आप को भी अल्लाह के सुपुर्द करें और अपनी पूरी फैमिली को भी अल्लाह के सुपुर्द करें। ये आपका जवाब है, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है, ठीक है, वो मालिक है और आप अपनी भी खुद मालिक ना बने, नहीं, ठीक है, ठीक, अपनी भी मालिक नहीं बन सकते आप। ये भी गलतफहमी है हमारी कि मैं अपनी मालिक हूँ, कि मैं कम से कम अपनी ज़ात के बारे में तो खुद फैसला ले सकती हूँ, नहीं ले सकते आप, ठीक है ना, तो बस ये इस पे आपने सोचना है, ठीक है, इसी में आपका जवाब है। जितना सोचती जाएंगी, जितना सरेंडर करती जाएंगी, उतना ठीक होते जाएगा सब कुछ, ठीक है, और खुश रहा करें, ठीक है, खुशियाँ बांटें, खुश रहा करें, ठीक है, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे न्यू कोई था, आप पहली दफ़ा आए, ठीक है, उनको माइक दे दें, किसके रेफरेंस से आए हैं आप? मेरे हस्बैंड हैं, वो डॉक्टर की वीडियो सुनते रहते थे, मुझे भी सुनाई, जब मेरी इनसे शादी हुई ना,
सातवाही में, वो भी सातवा एक दफा स्क्री 10 में गए थे डॉक्टर के। अच्छा अच्छा, कौन है आपके हस्बैंड? अच्छा अच्छा, आप पहले आए हुए? ठीक है, आपने सुर रहमान पहले सुनी थी? अच्छा, दोनों ने सुनी हुई है? दोनों ने सुनी हुई। किस मसले के लिए सुनी थी? औलाद के लिए, और उनका फाइनेंशियली इश्यूज भी थे इनके। ठीक है, काम से फिर क्या मिला? मैंने अच्छा ठीक है, कितनी देर होगी इस बात को? ठीक है, दोनों ने सुनी थी? ठीक है, उसके बाद दुआ करके पानी पीते रहे हो? अभी तक पी रहे हो? मैंने छोड़ दिया था 6 मंथ करके। आपने कहा कि फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसे ही है? क्या समझ के दुआ की थी? वजीफा समझ के कि कोई मतलब हो जाएगा कुछ? माफ़ किया था, फिर कोई ना कोई मसला हो जाता फिर। अब मेरे ख्याल में अभी जितनी आपने ये सारी बात सुनी है, काफ़ी जवाब मिले हैं। नहीं, मैं वीडियोस भी सुनती रही इनकी। तो फिर क्या जवाब मिला? बस यही है कि माफ़ करना, फिर ही फंसे रहोगे। स्पेशली अपने करीबी अजीज तरीन को, अपने ननियाल ददियाल में जिस औलाद के लिए अपनी इतनी दुआएं कर रहे हैं ना, ठीक है, पहले उसके रिश्तेदारों को तो माफ़ करें ना। उसके करीबी अजीज तरीन जो भी हैं ननियाल में ददियाल में, जिस खून ने आना है उसके लिए पहले एक अच्छा इन्वायरमेंट तो क्रिएट करें ना आप लोग, ठीक है। अगर आपके दिलों में पहले ही नफरतें हैं, पहले ही ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, सास बुरी है, नंद बुरी है, फलां बुरा है, ये है, ननियाल में कोई मसला, ददियाल में मसला, अगर पहले ही सब कुछ है, वो कह के बेटा ऐसे माहौल में आने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं ऊपर बेहतर नहीं हूँ, ठीक है। तो पहले अपना दिल साफ करें, और आगे कितनी दुआएं कराएं? काम नहीं हुआ तो मतलब फिर नहीं, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। कहीं आती जाती नहीं हूँ, ठीक है। कोई घर में भी कोई नहीं मिलता, कोई परेशान, कभी किसी ने फ़ोन नहीं किया? नहीं, सास है, उनको कहते रहते हैं, वो एक दो दफ़ा सुनाई है उनको, वो भी। वो क्या करती है? वो भी मार है ना, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सास की दुआ लो। देती कैसे? उनको कभी कभी दबाती। कभी कभी दबाती हो? दुआ निकलवाओ। हाँ जी, ठीक है। वो जब किसी पे प्यार आ जाए तो बंदा एवं नहीं आई लव यू कह देता होता, तो वो वाला आई लव यू निकलवाओ ना सास से, फिर देखना कैसे काम होता है। प्यार लेना है ना लोगों से, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्यार बनना पड़ता है पहले, फिर बड़ा प्यार मिलता है। लेकिन उससे पहले जो पी काटनी पड़ती है ना असल में प्यार करने के लिए, वो थोड़ी मुश्किल काम है। बीच में गुस्सा भी आ जाता है फिर थोड़ा बहुत। नहीं, हमारा वैसा रिलेशन नहीं है, जो गुस्सा नहीं आता आम पाकिस्तानी घरानों में है, वो नहीं है हमारी फैमिली। बहुत प्यार वाला रिलेशन है। है, सब तरफ अमन अमान है, ठीक है। फिर आगे लोगों का भला कर दो। ये अभी इतनी बेचारियों की कहानियां सुनी है, किसी को प्यार नहीं मिला, तो लोगों के घरों में प्यार बांटो फिर। आपके पास ज्यादा है, लोगों को बताओ कि भाई ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे सास और बहू जो है वो इतनी बहमो शिरो शकर होती है कि मतलब ताकि लोगों को उम्मीद हो। यहाँ पे तो लोग उम्मीद छोड़ के बैठ गए आज आज की दुआ के बाद कि ज़रूरत नहीं है शादीशुदी की, ठीक है। तो आप वो प्यार आगे बांटें, पॉजिटिविटी आगे बांटें, क्या ख्याल है? 7 साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए, 7वां साल स्टार्ट हो चुका है। एक दफ़ा उम्मीद लगी थी पहले ईयर में, जब 9th मंथ हुआ था शादी को, तो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हारमोन्स इशू स्टार्ट हो गए थे शादी के 4 माह बाद ही। उसके बाद उसकी दवाई भी लेते रहे बच्चे के लिए भी, तो वो फिर 9 मंथ जब हुआ था तब वो लगी थी उम्मीद, मिसकैरेज हो गया उसके बाद नहीं, और हारमोन्स इशूज चलते रहे ऐसे ही। दोनों जो है PCOS का मसला शुरू, आपस में प्यार बनो, ठीक है, दोनों मियां बीबी, ठीक है ना। और जैसे जैसे प्यार बनते जाओगे ना, वैसे वैसे वो आने वाला भी अग्री हो जाएगा कि चलो अब ठीक है आ जाता हूँ। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। हाँ, प्यार नहीं बन रहे ना तो वो अब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है ना। कभी एक साइड पूरी कर लेता है इंसान तो फिर दूसरी रह जाती है, सारी साइड्स पूरी होती नहीं है इंसान से वैसे, ठीक है। तो प्यार बनो, देखो कहाँ प्यार की कमी रह रही है। मैंने आपको पहली बात एक ही की थी कि जिसका जो खून आना है ना
उसके इर्द गिर्द जितने इम्पोर्टेंट बंदे हैं ना ननियाल ददियाल समेत, तो बाप तो फिर सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं, ठीक है ना? तो वो आपस में उनके साथ बस प्यार करो, अल्लाह खैर कर देगा। वो भी तो करे ना, वो भी तो सिंसेयरली करे ना। ये तो साथ ही मुजरिम तुमने पीछे बिठाया हुआ है। तो मुजरिम को सुना रही हूँ। मुजरिम को सुना रही हो ना, देख लो फिर। अब उसकी गलती नहीं निकालनी ऊपर वाले की ना, ठीक है ना? उसने इनकार कर दिया अभी दोबारा आने से, अभी उसने राजी हुआ था, मैंने कहा था कि अल्लाह खैर करेगा, अब उसने साथ ही कह दिया कि देख लो। अब समझ आ गई कि 7 साल क्यों हो गए हैं? नहीं, छोटी छोटी बात भी दुख ज्यादा जाती है ना। आपको जो आपके लिए छोटी है दूसरे के लिए छोटी नहीं होती। अच्छा, तो फिर इसका क्या हाल है? अब आप किसी गुस्से वाले माहौल में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, बस फिर उधर से भी इनकार ही है अभी फिलहाल। मर्जी है अब आपकी। प्यार बनो, प्यार करना इतना मुश्किल थोड़ी है। फिल्में देखते हो आप? नहीं देखती ना? वो तो देखता ही होगा, वो देखता है ना, मैं उससे पूछ रही हूँ। तो देखते हो, ठीक है। तो हीरो हीरोइन को प्यार करते कभी नहीं देखा? वो बस वहीं पे वाह वाह करके आ जाते हो कि कोई थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल घर भी दिखा दिया करो। वो जो एक्टिंग हीरो हीरोइन कर रहे होते हैं, वो एक्टिंग घर भी करनी होती है। पूरा एक्टर हो? एक्ट्रेस ही मान रही, ये आप देख लो। आप वो एक्ट ही करते हैं ना? अच्छा, वो दिल से रियल एक्ट नहीं ना करते, रियल करे? हाँ, एक्टिंग करते हैं। अच्छा, नहीं यार क्या हो गया? अब तुम खुदा थोड़ी हो कि दिल में घुस गई हो? खुदा हो तो फिर कैसे गारंटी दे सकती हूँ कि वो एक्टिंग कर रहा है? पहले मुझे इस बात की गारंटी दो। पता चल जाता है? नहीं, दिलों के हाल तो रब जानता है ना, ठीक है। कभी कभी किसी की एक्टिंग भी मान लेनी चाहिए, ठीक है। उसका भरम रह जाता है, हो सकता है किसी दिन वो शर्म खा ले कि आज मैं रियल करता हूँ। तुमने एक्टिंग पे ही फ्लॉप कर दी है, वो रियल की बात ही नहीं आ रही। जो बार बार एक्टिंग ही करे फिर उसकी रियल एक्टिंग भी एक्टिंग ही लगती है ना। ओहो, ऐसे थोड़ी होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। देखो, एक तरफ इंसान ये दुआ करता है किसी भी इंसान के लिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो कहता है यार ये कब बदलेगा, हम सब कहते हैं ना, ठीक है ना। फिर जिस दिन वो बेचारा अगर बदल के आता है तो उसको कहते हो कि आज भी एक्टिंग कर रहा है, ये अब गलत बात है। उसको उस दिन मान लेना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं आज ये ठीक है, ये चांस तो दो ना। ये तो फिर हम खुदा बन गए ना कि हमने ठप्पा लगा दिया उस इंसान के ऊपर कि ऐसा ही है। देखो, कोई भी इंसान अगर बुरी आदत छोड़ता है कोई, तो उसको आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो देते हैं ना, ठीक है। अब उसको जब भी कोई बंदा चेंज होने की कोशिश करता है ना, तो हम सब एज अ होल माशरा जो है ना, हम उसको कहते हैं कि लो जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बदतमीजी होती है, क्योंकि वो इंसान एक तो घबरा के बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव होता है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होता है, और वो पहला दिन आके सबसे पहले अपने घर में ही तजर्बा करता है तब्दीली का, वहीं से चपेड़ पड़ती है। वो कहता है मैं पहला ही वाला ही ठीक था, ठीक है ना। तो उसको, उस बच्चे को तो और ज़्यादा प्यार करना होता है ताकि उसको इनकरेजमेंट मिले, उसको पता चले कि अच्छा, ये अच्छे काम की भी अप्रिसिएशन होती है, अच्छा काम भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ताकि मैं और अच्छा हो जाऊं। फिर वो जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, वो जब कोई अच्छा काम करते हैं, देखा इतने से बच्चे में भी सेंस होती है, उसको गुड बॉय कहते हैं जी, वाह 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 तालियां बजाते हैं, तो वो और अच्छे काम नहीं करता? तो आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो अच्छे काम करेगा ना। और आपने उस वक्त भी उसको झटक दिया कि नहीं जी ये तो एक्टिंग है, वो बेचारे ने कहा कि बेटा हूँ तो एक्टिंग ही, अब एक्टिंग ही ठीक है, डिसार्ट हो गया ना, वो भी तो हर्ट हो सकता है ना। आप ही तो नहीं ना सारी मधुबाला बन के बैठ जाना कि मैं ही दुखी हूँ, दुनिया का सारा दुख मेरे ही दिल में है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो प्यार बनो बेटा, इस बात को समझो ना, ठीक है। आपने अब से रियल एक्टिंग में, ठीक है, मैंने मिसाल की थी, ठीक है ना, लेकिन
मोहब्बत के तरीके हैं ना, कोई ऐसी अदा अपनाओ कि उसकी भी दुआ निकल जाए, ठीक है ना, आप कोई ऐसी अदा अपनाओ कि उसकी दुआ निकल जाए, आप दोनों की एक दूसरे को दुआ लग जाएगी और आने वाला खुश हो जाएगा कि चलो यार इतने अच्छे माँ बाप मिलने वाले हैं, वाह भाई वाह, प्यार होगा, अमन अमान होगा, ठीक है। लेकिन अगर अमन अमान ही नहीं है तो मैं तो खुद कहूँगी बेटा ऊपर ही रह। वो देखो वो आंटी कह रही थी कि जी क्यामत कब आनी है, कितना मज़ा आएगा, क्यामत आएगी, जान छुटेगी, ठीक है। अब खुद देखो माहौल क्या है दुनिया का, आप कह रहे हैं बेटा आओ आओ नीचे, तुम भी आगे देखो कि क्या है, ठीक है। तो प्यार तो हमसे हो नहीं रहा। डॉक्टर साहब की वीडियोस देखी नहीं है, ये वाली वीडियो को नहीं थी देखी, देखी है ना, तो फिर उसमें क्या कहते हैं, उसमें यही वो कहते हैं कि मियां बीबी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, मियां बीबी एक दूसरे के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो हर रोज आपके लिए गुलाब का फूल आए, ठीक है, लेकिन गुलाब का फूल वो ले भी आए, लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ कि आप आगे से मूड में नहीं होंगी एक्सेप्ट करने में, ठीक है। हमारी औरतों का तो मसला यही है कि वो गुलाब के फूल में कहेंगे वैसे फ्रेश नहीं लग रहा, ऐसे ही है ना, ये कहेंगे वैसे पहले तो कभी लेके नहीं आया, आज ही ले आए हो, ठीक है। चलो बेचारा जिस दिन भी ले आया है, ठीक है, तब्दीली तो आई है, ठीक है, तो तब्दीली ऐसा ऐसा ही आती है। इमरान खान बेचारा इतनी मुश्किल से लेके आया, ठीक है ना, तो तब्दीली इतनी ही मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आ जाए उस दिन एक्सेप्ट करें तब्दीली को, ठीक है। तो होल हार्टेडली असल बात ये है, मजाक एक साइड पे, असल चीज़ ये है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करो प्यार से, ठीक है। ये रब ने, आप अगली नस्ल मांग रहे हो ना रब से, तो इसका मतलब है कि कोई आपस में साथ ही रहना है एक दूसरे के, फिर ही अगली नस्ल मांग रहे हो ना। अगर आपस में ही साथ नहीं रहना, इतनी दोस्ती है ही नहीं, लड़ाइयाँ हैं, या आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो रहे, एक दूसरे पर यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुला रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने साथ रहना है, प्यार है, फिर ही आप कह रहे हो ना कि अब हम आगे नस्ल भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हमने साथ रहना, सारी ज़िंदगी के लिए रहना है हमने, तो हम ही हैं एक दूसरे के लिए, तो आपस में बस प्यार बन जाओ, इधर उधर परेशान ना हो, इन सब के मसले यही हैं। ये ना समझो कि सब तुम्हारा मसला है, सारे ऐसे ही हैं, बस बोल नहीं रहे, ठीक है, घबराना नहीं है। जो जो हंस रहे हैं, हाँ, जो जो हंस रहे हैं ना, ये असल में ये सिर्फ इसी वजह से हंस रहे हैं कि इनके मसले यही हैं, ठीक है। बेटा प्यार मुश्किल ही बहुत है करना, एक मिनट आइए मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आप, मैं आपकी ओपिनियन लेती हूँ, ठीक है। तो प्यार करो बेटा। जब मेरी शादी हुई ना, तो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग डेज में कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप बहनों भाइयों से मोहब्बत है, उसके बाद आपसे है, तो यकीन जाने इनसे पूछ लें, मैंने इनकी चाहत को अपनी चाहत बनाए रखा, ठीक है। खूबसूरत है, अच्छी बात है, आपने ड्यूटी की है, फिर मसला का है क्या है, मसला इनसे पूछ लें। आप सेकंड नंबर पे थी, उन्होंने कहा कि पहले माँ बाप और बहन भाई है, हाँ, मैंने इनकी चाहत को अपनी चाहत बनाया, लेकिन सामने बैठे मैं दूसरे नंबर पे थी, नहीं ये मैंने कभी, मैंने कहा वो, नहीं तो ये बताने की जरूरत, वो ब्लड रिलेशन, वो ब्लड रिलेशन है उनसे ज्यादा होता है, तो मैंने इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं कसक रह गई ना दिल में, नहीं रही, पूछ लें क्या है फिर, वो इनसे पूछे, वो इनसे पूछे, आप बताएं जी, माइक दें उनको जरा, उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुने, उनको भी माइक दो ना, मतलब दूसरा हम, वो क्या होता है, जी जी ठीक जी मैम, कोई इशू नहीं है ऐसा, प्यार हो, मैंने किया है आपको पहले ही बताया, प्यार बड़ा किया, 7 साल किया है, दिल से किया है, नहीं नहीं इनको गुस्सा बड़ा आता है, इसीलिए लेके आऊँ डॉक्टर साहब के पास, ये वजीफे वजाइफ भी बहुत करती हैं अपनी मर्जी से, और सूरत तो सुनी है, 7 दिन सुनी है, पहले भी सुनी थी तो, लेकिन ये है कि दिल से बात जो है जा नहीं रही इनसे, पता नहीं अब क्या इशू है, इनसे पूछ लें क्या इशू है,
नहीं बड़े तो नहीं करती, एक ही पढ़ती थी। गलत बात पे आते हैं, गलत बात पे आते हैं। जब कोई गलती करता है बंदा, कोई गलत बात करता है, कोई भी कहे बात तो उस पे गुस्सा आ जाता है, कोई भी हो, ये सिर्फ इन पे आता है, इन पे ज्यादा आता है। ये खामोशी से काम कर जाते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आता है जब पता चलता है। हस्बैंड बीवी को गर्लफ्रेंड नहीं ना बनाते, बनी हुई थी, अब नहीं। जवाब मिल चुका हुआ है ना कि आपने सुनी या ये बात सूरह रहमान की नहीं हो रही सिर्फ, ठीक है।
है, ये रहमान की बात हो रही है, ठीक है, तो रहमान ने आप पे रहमानियत क्यों नहीं की, इसका जवाब आपके पास दोनों के पास है, ठीक है। जब वो जवाब आपके पास जो आपको मिला है वो अब अगर आप जवाब दोनों ठीक कर लेते हो ना तो वो अपना कर्म करते। एक पौधा है ना वो दो लोगों ने लगाना है, उसके लिए दोनों लोगों का मिलना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो जब तक मिलेंगे नहीं ना दिल से वो राजी नहीं होंगे, ठीक है। वो जब तक वो एक कसक रहेगी, खालिश रहेगी, रेजिस्टेंस रहेगी तो वो चीज़ नहीं आएगी, समझ रहे हो। और आ भी जाए तो उसका क्या हाल होता है ये भी आपने माशरे में देख लिया, अभी दो कहानियां तो आप सुन चुकी हैं, बैठी बैठी सुन रही थी वो सारी। तो क्या होता है, बेहतर नहीं है कि आप आपस की रंजिशें, आपस के मसले हल करके फिर औलाद पैदा करें, ठीक है। और औलाद जो होती है वो अमूमन यही होता है, यही जितने लोगों को कहें कि जी हम बे औलाद थे, हमने जी सूरह रहमान भी सुनी, मसला हल नहीं हुआ, उनका मसला यही निकलता है बीच में से, ठीक है। काम आप दोनों ने करना है, ठीक है, अल्लाह बीच में क्या करेगा। अल्लाह को आपसे दुश्मनी तो नहीं है कि वो पूरी दुनिया को औलाद दे रहा और आपको औलाद नहीं दे रहा, ठीक है। आप दोनों भी राजी हो रहे हैं एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे से राजी हो रहे हैं, वो राज अपना कर्म करते हैं। अब आप इस चीज का जवाब देते हैं मुझे। माफ कर देना दिल से माफी, और आपको उसको दुआ देनी है, समझ रही है। जिसका खून आना है, जिसकी नस्ल चलनी है, जब उसी पे गुस्सा है तो वो काम कैसे चलेगा, मुझे बताओ। जिसे नस्ल चलानी है उसके साथ भी तो सिंसेयर होना चाहिए ना, उसे आपके साथ सिंसेयर होना चाहिए। वो आप माफ करो ना, तो आप अपना कर्म करते हो, और आप तो अभी तक हल नहीं कर सकी मसला, कर सकती कोशिश करके देखी है ना, एफर्ट करती रही हो अब तक तो हल हुआ मसला, तो फिर कौन कर सकता है। अल्लाह भी कर सकता है या नहीं कर सकता, उम्मीद है तो फिर रब पे उम्मीद है तो बेटा रब के आगे सरेंडर कर दो, वो अपने वक्त पे कर देगा ठीक। हो सकता है इंसान सालों एक चीज़ के लिए कोशिश करता रहता है, किसी इंसान को बदलने के लिए ही, किसी एक आदत के लिए, किसी जो भी है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन जो ही वो चीज़ छोड़ देता है ना रब के हवाले कर देता है कि अच्छा ठीक है आपने करना होगा तो ठीक है, नहीं करना तो ना सही, तो वो आपको पता भी नहीं चलता, कभी कभी वो अगले लम्हे हो जाती है। तो आपका एतबार ना मेरी बातों पे है, ठीक है, ना ही सारी कहानियों पे है, आपका एतबार उसके ऊपर है, रब के ऊपर है, तो अपने रब पे तो एतबार करो ना, ठीक है। रब से कम और रब से ज़्यादा तो नहीं कोई बात करें, ठीक है। अगर उस पर भी नहीं है तो फिर बेटा चिल्ले वजीफे ये सब कुछ चीज़ें किस मकसद के लिए, अगर आपको उस पर यकीन नहीं है, यकीन है तो आज उसके हवाले करो सब, ठीक है। और प्यार बनो, टूट के प्यार करो बेटा आपस में, ये मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, ठीक है। आप आपस के मसले हल कर लें, ठीक है, रब का करम ही करम है, ठीक है। जवाब मिल गया, कोई और सवाल है आपका, ठीक है बेटा, दुआ निकलवाओ, ठीक है, जैसे भी होता है, ठीक है। वो आपकी ज़रूरी तो नहीं है कि हम बड़ी महफिल में एक दूसरे के पर्दे उठाएं, ठीक है, इसलिए वो बात मैंने शुगल में मजाक में उड़ा दी है, ठीक है। वो बेहतर है कि आप आपस में ही करें, ठीक है, और भरम रह जाए, ठीक है, और आप आपस में ही कर सकते हो सॉल्व, उसको आपस में सॉल्व करो, ये मसला हल ही हो जाएगा, इसमें कोई हर्डल नहीं है, इसमें हर्डल आप है, ठीक है। उस दुआ को कबूल होने के रास्ते में आप दोनों खुद खड़े हुए हैं, आप दोनों बीच में से हट जाएं, प्यार बन जाए तो आ कबूल ही कबूल है, समझ आई है कुछ बात, हो सकता है, बताओ कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल, पक्की बात है। प्यार माफ करना है दिल से, जब आज दुआ होगी दिल से माफ करो सबको प्यार से, और दुआ दो, आपको प्यार आना चाहिए उन सब के ऊपर, और प्यार से अपने रब की खातिर एफर्ट करते होते हैं अपने रिश्ते के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, इस दुनिया को दिखावे के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, उस रब के लिए करो जो कर रही हो, ठीक है।
उसके लिए आपने एफर्ट करनी है ना, ठीक है, तो रब अपना कर्म कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, और कौन आया पहली दफ़ा? आप पहली दफ़ा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका जी, नाम क्या है? खुरम मेरा नाम है जी। और हम लोग दीपालपुर से आए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। आप किसके साथ, और भी कोई है आपके साथ? जी ये वो मेरी मिसिज है। अच्छा, जो पहले अच्छा, ठीक है ठीक है, जिसने बात की थी पहले। सही है। तो हम लोगों ने वैसे वजीफा किया है, वो डिप्रेशन का मसला है मुझे भी, कुछ फिनंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से? जी जी, ठीक है। तो उस वजह से कुछ बेहतर हो गया था उसके बाद, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली थी, फिर उसके बाद फिर वो जब ये वजीफा वगैरह किया उसके बाद छोड़ दी। अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सब ठीक चल रहा है। तो जो उनसे मैंने पूरी बात की है उसमें आपको क्या समझ आया? नहीं, उसका प्रॉब्लम यही है कि डिप्रेशन का है उसको भी प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से। अभी जो मैं इन दोनों से बात कर रही थी जी जी, ठीक है, उसकी सारी समझ आई है? जी आई है। अपने सवालों के जवाब मिले जी? 99% घर में फाइनेंशियल मसलों का और बाकी डिप्रेशन का यही सलूशन है बिल्कुल, अगर आप मान जाएं तो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आपने प्यार एक दूसरे के लिए नहीं करना होता, आपने उस इंसान से प्यार नहीं करना होता। अगर आपको समझ आ जाए कि उस इंसान में कौन है तो आप पागल हो जाए, ठीक है। इस कायनात में आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, बेशक। और जिस दिन आप ये नियत कर लेते हैं ना, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं औलाद के लिए कमाने के लिए, तो आप अगर ये नियत कर लेते हैं कि ये मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपने अपनी फैमिली के लिए एक जायज़ तरीके से मेहनत करके कमाने के लिए जा रहा हूँ, वो काम, आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी, आप कोई दिल में तस्बीह ना पढ़ें, कोई हाथ में तस्बीह ना पकड़ें, ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी रात आपके वापस आने तक ये इबादत है। फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिख रहे होंगे, आपकी सांस सांस जो है, अगर आप वो काम ईमानदारी से करें और आपकी नियत है, ठीक है, तो आप उस दुनिया का वो ड्यूटी रब की कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं, तो ये सारी इबादत है। अब आप मुझे बताएं कि सब ने दुआएं मांगी हुई हैं यहाँ पे कि हम जी 24 घंटे रब की इबादत करें, दुआएं मांगी हुई हैं बचपन में हमें, जब नई सेंस होती थी तो हम यही सोचते होते थे कि मतलब सारा दिन कैसी इबादत होती है, सोचते हैं। या वो शायद हज़रत अली का कॉल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि वो घोड़े के ऊपर हाथ फेरते थे तो वो कितने हज़ार दफ़ा दुरूद पढ़ लेते थे। तो मैं तो बचपन सारा इसी में गुजर गया ना, मैं तो पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा काउंटर लगा के ना, स्टॉप वॉच लगा के, तो मैंने ट्राई की कि मैं एक सांस में कितनी दफ़ा पढ़ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो नहीं समझ आई। वो मैं सर के पास आई तो सर ने बताया कि वो जब प्यार से हाथ फेरते होंगे तो उनकी नीयत क्या होगी, ठीक है, वो प्यार करते होंगे तो उनके नीचे जितने बाल आते होंगे तो वो दुरूद ही है ना, प्यार मैसेज था ना, ठीक है, तो सारे दुरूद पढ़ते हैं हम, ठीक है। वो उन्होंने आज ये बात की ना कि सुन्नत की बात हो रही है, सारे हम सारे इस्लाम पे हैं, दीन पे हैं, प्यार तो हमसे हो नहीं रहा, इतना मुश्किल काम है प्यार करना। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी नहीं है, असल में मेरी वालदा की है। वो चाहती है कि मेरा बेटा और शादी करे, और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनको कुछ ना कुछ कह के। हाँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम निकल आती है। हाँ। तो फिर इन्हें पता चलता है और ये फिर वो मामला खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपके आप इतना प्यार करें ना जी जी, कि उनका उस बात की तरफ ध्यान ना जाए जी, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको बात? समझ आ गई बिल्कुल। आप बिलीव करें कि वो उनका ध्यान नहीं जाएगा उधर, सही है, ठीक है ना। तकलीफ तो इंसान को बहुत सी चीज, आपको मैंने जवाब दे दिया जी जी, समझ आ गई। वो आपकी मर्जी है और हर इंसान की मर्जी है, रब हमें तरीका ही बता सकता है सिर्फ, ठीक है ना। वो हम इस दुआ के थ्रू इस महफिल में आ के, यहाँ पे आपने इतने लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है, और आपको मेरे ख्याल में आज शुरू ही यहाँ से हुई है बात,
अभी तक वही चल रही है, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। तो अभी तक वही चल रही, मेरे ख्याल में अगला भी कोई कैंडिडेट उठाऊंगी तो मेरे ख्याल में कहानी यही होगी, यही होगी, सही है। तो इसका मतलब है कि मसला सबको यही है, हल क्या है? हल तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए उसके ऊपर। वो किसने करना है? नहीं, वो तो करना चाहिए। अल्लाह को मेरे पे प्यार आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वो अल्लाह मुझे प्यार कैसे शो कराएगा? मेरे अंदर अच्छी चीजें पैदा करेगा, किसी इंसान के थ्रू ही कराएगा ना मुझे। ठीक है, तो वो बीवी के लिए वो शौहर ही हो सकता है बेशक, ठीक है ना। शादी के बाद, शादी से पहले पेरेंट्स थे, ठीक है, उसके बाद तो वो सारी जिंदगी उसने शौहर के साथ गुजारनी होती है और उसी के ऊपर उसने वक्फ की होती है, ठीक है। तो वो आपके थ्रू ही अपना प्यार पहुंचाएगा ना, तो आप डंडी ना मारा करें उस प्यार में। आप अपना प्यार थोड़ी दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं, जाती दे रहे हैं कोई, तो फिर वो उसी का दिया हुआ आप दे रहे हैं, आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो प्यार बन जाए, सिंपल सी बात है। आपका दिल नहीं करता इर्द गिर्द देखे कि ये भी खुश है, ये भी खुश है, इसके घर में भी ये खुशी है, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ख्वाहिश तो होती है, बिल्कुल होती है, हर एक इंसान को होता है कि यार मेरा घर ऐसे सुकून क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो हो सकता है अगर आप दोनों आपस में प्यार बन जाए। अब आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जियां छोड़ सकते हैं अगर, तो और आप रब के ऊपर छोड़ सकते हैं तो फिर तो बात है, सही है। अगर आप एक दूसरे को सिर्फ अपना रब का एक बंदा मान लें, सही है, कि ये भी रब की खूबसूरत बंदी है, आप मान लें कि ये भी रब के खूबसूरत इंसान है और आप फिर प्यार करें एक दूसरे से, ठीक है। इसको एक इस कैटेगरी में से निकाल देना कि ये बीवी है और ये शौहर है, तो बीवी ने ये करना होता है और शौहर ने ये करना होता है, उससे पहले वो इंसान तो है ना, तो उनको इंसान समझ के प्यार करें ना, कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ठीक है, ये भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, ठीक है, और ये वही उम्मत है जिससे उन्होंने कहा है कि प्यार करें। तो वो बीवी उस उम्मत में से बाहर नहीं है या शौहर उस उम्मत में से बाहर नहीं है, ठीक है। तो जवाब तो प्यार है, अगर आपसे इतना काम ही ना हो सके तो अल्लाह को कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि वो उसके घर में तंगी लाए, वो उसके घर में, आपने फाइनेंशियल मसला बताया जी जी, अपनी माँ की और अपनी बीवी की दुआ निकलवाए, बीवी की जब दुआ ही नहीं निकल रही, ठीक है, तो फाइनेंशियल से तो मसला रहेगा आपको, ये तो है, ठीक है ना। ये तो बड़ी सीधे सीधे से असूल है जो रब ने वैसे पहले ही बता दिए हमें, ठीक है, ये आपके हाथ में। एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप 10 साल और ऐसे ज़िंदगी गुजार के ना फिर आप एकदम से कहें ओहो ये इतना आसान काम था, क्योंकि इंसान को राज़ी करना बड़ा आसान काम है। कोई इंसान जो है ना वो प्यार की दो चुटकियों की मार है, वही वाली बात है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, ठीक है ना, प्यार चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, आप प्यार कर ही नहीं रहे, ठीक है। इंसान तो समझे ना अगले को, खुदा की मखलूक तो समझे, ठीक है, चले यहाँ से ही प्यार करना शुरू कर दें कि ये भी खुदा की मखलूक है, इसका भी रब ने मेरे से हिसाब लेना है, बीवी से पहले वो इंसान भी है, ठीक है, शौहर से पहले वो इंसान भी है, ठीक है। तो आप आपस में प्यार करें। आपने इतनी कहानी, मेरे ख्याल में मैंने तो इतना ज़्यादा एमी बोल दिया है, मेरे ख्याल में इनकी बात इनकी बात इनकी बात इनकी बात ये सब में आपका जवाब था। बात पे हाँ में हाँ मिला रही होती है कि जो ये कहेंगे वो ठीक है, हमें भी कहेगी कि हमें भी यही समझाती हैं कि जो बाप कहेगा बस वो ठीक है। तो मैं अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलती है, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं, मैंने इसीलिए पहले भी मैंने कहा ना कि मैं आप बड़ी असिस्ट कर रही थी, तो यही तो वजह है, इसीलिए तो अब मेरी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है कि जो मेरे लिए था वो मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरा घर बिखरेगा क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बाबा से अटैच है। अब उसकी दूरी जो है वो उसको ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जा रही है। तो क्यों दूरी होगी? वो इसीलिए वो कहती है कि नहीं, वो होगी नहीं, नहीं है, आपके दिमाग में है कि वो दूरी है, उन्होंने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं किया,
अल्लाह करे कुछ भी ना हो, मेरी तो दुआ नहीं होगा, आप रब पे यकीन करेंगे, रब कंट्रोल ले लेगा। मैंने आपको कहा है ना कि आप आपका होमवर्क ये है कि आप अपना कंट्रोल रब को दे, आप रब को करने देना, आपके करने से रोकने से कोई रुकेगा नहीं। ये तो मेरे दिल में भी है, मुझे पता है कि मेरा रब करने ही नहीं देगा कुछ। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ तो उसको दोस्त समझ लें, दो का एक काम डिसाइड करें ना, बीच में नहीं चलते होते, बीच में कोई फायदा नहीं होगा। उसी पे तो भरोसा है, उसी ने तो सब कुछ रोका हुआ है। फिर आप भी, आप खुद भी उतनी टेंशन ले रही है तो फिर फायदा कोई नहीं है ना। रब कहता है फिर तुम ले लो, मैं साइड पे हो जाता। बस ये तो अल्लाह मुझे हिदायत देते असल में आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि हर बंदा कहता है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा गलत है। जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि मैं 2004 में यहाँ से इंग्लैंड गया हूँ, 2008 में जाके फिर मैं वापस आया तो हमारी शादी हुई, शादी के बाद फिर हम लोग दोनों वापस चले गए उधर इंग्लैंड, 3 महीने बाद मैंने इसे वापस भेज दिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपनी शॉप बना ली, सिस्टम बड़ा अच्छा चल गया। एक दिन मेरी बेटी ने मेरे साथ बात की और उसने इतना मुझे कहा कि अबू आप उधर चले गए हैं जहाँ पर वो अबू इस्लाम चले गए हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी, वो छोटी थी, बच्ची थी, 3 साल 3.5 साल की उसकी एज थी, बड़ी मुश्किल से बात करती थी। इतनी बात मैंने सुनी और मैंने खड़े पैर वो सारा बिजनेस बेच के मैं तकरीबन 1.5-2 हफ्ते बाद इधर आ गया। इधर आ के मैंने अपना जो सिस्टम था पेट्रोल पंप लगा लिया, इस तरह से अपना जो भी था वो मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसे मामलात बने हैं, और जो हमारी शादी हुई है ना वो भी इसी हिसाब से हुई है कि वो लव मैरिज थी, हम लोग कज़न हैं, लेकिन ना मेरी अम्मी मानती थी ना ही मेरा अबू मानता था, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी वो की। लेकिन उसके बाद जब वो हमारी सुलह हो गई माँ बाप के साथ, सारे मामलात हो गए, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए और वो स्टिल गोइंग ऑन है, उसी तरह से वो चल रहे हैं कि ये उनको नहीं एक्सेप्ट करती। और वो साफ ज़ाहिर है फिर वो बड़े हैं, वाले साहब तो वैसे ही फौत हो गए और अभी वालदा है, तो इनके साथ बस वही प्रॉब्लम चल रहे हैं ना कि मैं उनको माफ़ करती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ, आती हैं, खिदमत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, आपके साथ रहती हैं? नहीं, वो बड़े भाई के पास छह माह रही भी हैं, यकीन जाने मैंने इतनी बड़ी कोशिश की है। हाँ जी, अभी तो हम लोग लाहौर बच्चों की वजह से शिफ्ट हुए हैं, वैसे बेसिकली हम लोग दीपालपुर गए हैं। जब भी मेरे पास आई हैं तो मैंने उन्हें यही कहा है कि मैं आपकी बेटी नहीं है, तो अगर आप समझें तो मैं आपकी बेटी हूँ, और वो दिल से मानती भी है कि ये मैं इसके पास मेरी खिदमत करती है सब। आप उसको एक बात बताएं कि आपका आपके पास भी सारे सवालों के जवाब तो आपके पास है नहीं है, आपके पास जवाब तो वो मसला फिर आप ही ठीक कर सकती हैं ना। माफ़ कर दें उसको, अल्लाह की मखलूक समझ के माफ़ करें। मैंने माफ़ कर दिया है तो अब फिर वो शादी करने के लिए देखे ना, उन देखे वो बड़ी है, वो बुजुर्ग है, उनको बुजुर्ग समझ के बस उनकी बात को दरगुजर कर दिया करें। छोटा बच्चा देखा है आपने कभी? तो उनकी तो बात दरगुजर करूँ तो अगर आपका साथ दे तो फिर आपने छोटा बच्चा देखा है? छोटा बच्चा कभी देखा है? ठीक है, तो बुजुर्ग जो होते हैं ना वो इस उम्र में छोटे बच्चे होते हैं। वो आपने उनको छोटा बच्चा समझ के दरगुजर करना है, क्योंकि छोटे बच्चे को अकल नहीं होती, वो एक ही बात बार बार कर ही जा रहा होता ना। तो वो मेरी औलाद को पहले दिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया ना मुझे। आपके ये देखे ना, ये अब आपके तो दिमाग में माफ करती हूँ, ये आपके माइंड में होता है मैं मान ही नहीं सकती कि कोई दादी नानी जो है वो अपने खून को एक्सेप्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोग वैसे ही एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ लोग वैसे ही, जैसे मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा है उनका तरीकेकार ही थोड़ा सा सख्त होता है। ठीक है, उनका लहजा थोड़ा सख्त होता है, उनका एक प्यार करने का तरीका थोड़ा सख्त होता है। मेरी अपनी दादी माँ वैसे ऐसी हैं, ठीक है ना, मतलब मैंने आज तक नहीं उनको देखा कि उन्होंने किसी बच्चे को पास बिठा के उसके मतलब उसको किस की हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे से प्यार नहीं करती, ठीक है, वो अब मेरी औलाद को ऐसे चूमती चाटती हैं, ठीक है, या वो मैं ना जाऊँ तो वो मुझे किसी तीसरे, अब जहरी सी बात है वो इस उम्र में 80+ उनकी एज है,
वो किसी थर्ड पर्सन को कहेंगी, उसके तरले करके कहेंगी कि मुझे बस फोन में ला दो, ठीक है ना, मैंने इससे बात करनी है कि तुम ना मुझे शक्ल दिखा दो आगे। देखिए मैं मेरी भी आगे से बुलाद हो गई हुई है, तो ये आप कैसे कह सकती हैं, खून कैसे निकाल सकती हैं बीच में से आप। देखें कुछ चीज़ें मैंने उनसे भी एक सवाल किया कि आप खुदा हैं, तो कम से कम हमें खुदा होने के दावे तो नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। हमारे हम दिलों में कैसे घुस सकते हैं, खुदा तो वो बनते हैं ना जो कहते हैं कि इसमें से बेटा नहीं हुआ तो आप शादी करेंगे तो छोड़ देना इस बात को, छोड़ दें इस बात को। उन्होंने सपोर्ट किया आपको सारी जिंदगी, सपोर्ट किया है ना, हाँ जी ठीक है ना, उन्होंने ये उनका मसला है कि वो अपनी अपनी अम्मी को क्या जवाब देते हैं। आप इसमें से निकल आए, मैं यही चाहती हूँ ना कि मैं तो निकल आती हूँ, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो खुद उनको जवाब दें, उनको खुद जो है वो मुतमईन करें। वो नहीं देते आपके सामने, सामने तो देना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो देखे ना एक एक तरफ माँ हो तो माँ को छोटा कर दे। नहीं मैं ये भी नहीं चाहती कि वो छोटा करें, उनकी करें रिस्पेक्ट। जी मैंने यही तो मैंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी ये उससे मुझे खुद शफा भी हुई है। ये नहीं है कि मैं जितनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी अब मैं लाइट सी मेडिसिन लेती हूँ, उससे मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। ये है कि मेरा घर बचता आ रहा है, शायद वो ना बचता तो वो सिर्फ इसी वजह से तो बचा हुआ है, वही सूरह रहमान की वजह से ही तो बचा हुआ है, वरना तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। हाँ जी वो बहुत कम है वो बात असल में कुछ भी नहीं। आगे लोगों को दुआ कराया करें, लोगों का भला करना सीखें। आप एक ऐसी बात में उलझी हुई हैं जो अभी हुई नहीं है, ठीक है ना, जो कुछ हुआ ही नहीं है, आप उसके बारे में सोच के आपने बाकी अपनी बच्चियों को भी एक टेंशन में डाल दिया है, एक खौफ में डाल दिया तो सब कुछ छुपाया, ठीक है चलें जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि आपकी जो मेरे से बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे काम हो चुके हैं, मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपके तो काफ़ी ज़्यादा मसले निकल आए, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि दुआ से फिर बदला क्या, ठीक है, काफ़ी कुछ बदल चुका है, पूरा बदलना चाहिए था ना। जब आप देखें कि कैंसर के, एड्स के, हेपेटाइटिस के, हर तरह का मरीज ठीक हो रहा है, ठीक है ना, लोगों के किरदार बदल जाते हैं, लोगों का सब कुछ बदल जाता है। तो सर जो बात करते हैं या जो मैविश भी बात कर रही थी कि प्यार बन जाए, तो वाकई एक वक्त आता है कि सब कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। तो दुआ या सर के पास आना या सर के दुआ सेशन को सुनना, उससे अपने आप में बदलाव कितना आता है। अभी सारी डिस्कशन में सारे में मसला उन्हीं में लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको छोड़ दें अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। पहले सिर्फ अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस वक्त इसी लम्हे चली जाती हैं इस दुनिया से, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगी अलमिया को, क्या आप क्या ग्रजेस या क्या मसले थे फलाना था। मैं आज अपनी टीचर को ये कह दूँ कि जी वो मैं होमवर्क किस लिए नहीं कर सकी थी, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। तो आपने अपना देखना है, ठीक है ना, आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रही हैं या कर रहे हैं, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो कई दफ़ा आने वाली जनरेशन में हम डाल देते हैं, जैसे वो पीछे बात कर रही थी। तो अब मैं इसलिए सिर्फ बीच में बोली, मैंने बोलना नहीं था, क्योंकि आपने बहुत का दफ़ा कहा था कि मैंने आना है, ठीक है ना। तो इतनी दफ़ा आपने कहा तो मुझे लगा कि पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस होगा, तो असल में तो आपके मसले ही हल नहीं हुए हुए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आगे लोगों को दुआ कराया करें, जब आप लोगों को दुआ कराएंगी ना आपका भी ध्यान हटेगा, ठीक है। कई दफ़ा हम अपनी तकलीफ़ में इतने मगन हो जाते हैं, मैं सही बात बता रही हूँ, इतने मगन हो जाते हैं कि हम उस चीज़ में से निकल ही नहीं पाते, चाह के भी नहीं निकल पाते। कोई हमें आके कह भी देगा ना कि ये कुछ नहीं है, हमें वो इंसान भी बुरा लगता है।
ठीक है ना, हम कहते हैं इसको मेरी तकलीफ ही नहीं पता चल रही, ठीक है। तो जानवर में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जानवर को भी अपना ही दर्द महसूस हो रहा होता है। तो जब इंसान किसी और का दर्द बांटना शुरू होता है ना, तो ऑटो पे अल्लाह मियाँ हमारे मसले हल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो शादी शादी शादी, अगर आपका मुंह हमारी तरफ है, उनका मुंह हमारी तरफ है, ठीक है ना, तो वो साथ एक्सप्रेशन देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर जिसने करनी होती है ना वो कर लेता है, और अगर फर्ज कर लें, एक मिनट फर्ज कर छोड़ दें, वैसे मैं एक बात कर रही हूँ, चले मैं, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, जो कुछ होना है ना वो भी होके रहना है। तो अल्लाह ताला हमें यही सिखाता है कि आपने एक्सेप्ट करना होता है हर उस चीज़ को जो आपके साथ, जैसे वो भी कहती है आप फ्लो के साथ चलें। तो कहने में तो सिर्फ ये लफ्ज़ ही है ना, हम चाहे जितनी मर्जी टांगे मार लें ना, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपने करना ही करना है, चाहे पुट्ठे होके करें, सीधे होके करें, जैसे मर्जी होके करें, ठीक है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि विद स्माइल करें, ठीक है। और ये बात जैसे वो भी बात करी थी कि 40 साल की उम्र में मुझे समझ आई, ठीक है, तो वाकई बहुत अरसे बाद आपको समझ आती है कि यार आपने ऐसे ही करना है, अल्लाह ताला आपसे ऐसे ही चाहते हैं, और आपने इस सारे पाथ पे ऐसे ही चलना है, विद स्माइल चलना है, ठीक है ना। आप जैसे सर एक बात करते हैं कि आप अपने दर्द को कैरी करें इतनी खूबसूरती से, ठीक है, कि लोग कहेंगे वाह यार इसको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। और वाकई हमारी जिंदगियों में पैसा, ये इर्द गिर्द वाले रिश्ते, ठीक है, या नफ़रतें, इन सब से हम निकल ही नहीं पाते, और हम ये जीना ही नहीं आता, ठीक है ना। और मैं ये सोच रही थी कि जो गोरा है वो वाकई छोटी छोटी चीज़ों में भी एक खुशी ले लेता है, निकाल लेता है, ठीक है ना। और हम छोटे छोटे मसले ही, उसने मुझे ये जेस्चर दे दिया तो उसने मुझे ऐसे कर दिया, उसने मुझे यूं देखा, उसने मुझे यूं कर दिया, हम इसमें से ही नहीं निकले, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ कर लें वो ये भी जो बात, हमारे बहुत सारे जो गुमान हैं वो गुनाह हैं, ठीक है ना। बहुत सारी नफ़रतें हम इन बिल्ट एवी ले आते हैं, उसने ये सोचा होगा, नहीं वो ऐसे सोच रहा है, वो ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसके दिमाग में वो बात ही ना हो, ठीक है। जैसे भी ये बात कर रही थी कि कई दफ़ा होता है एक बंदा हमेशा से स्माइल से बात करता है, आज उसने गुस्से में बात की है तो कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई क्यों, ठीक है ना। हम कहेंगे कि नहीं 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 कोई मसला है, ये है ही बदतमीज़, ठीक है। तो अगर आप जो हैं वो अल्लाह और सरकार के रास्ते पर चलते हुए, चलें आप छोड़ दें सारी बातें, आप दुआ सेशन में भी आएंगे भी बात भूल जाएं, अभी फ़िलहाल आप ये सोचें कि आप जो हैं वो सरकार दो आलम के पास जाती हैं और सरकार के पास अपना ये मसला हल करती हैं कि सरकार इस मसले का हल बताएं, तो सरकार आपको मेरे ख्याल से प्यार से कहेंगे कि प्यार से सब कुछ डील करो, और एक और बात कहेंगे मेरे होते हुए तुम्हें डिप्रेशन है, तो सरकार के होते हुए डिप्रेशन, जिनका दरूद आप पढ़ रही हैं, ये ओढ़नी आपने ओढ़ी हुई है सरकार के नाम पर ही ओढ़ी हुई है ना, उन्होंने कहा हुआ है ना, तो फिर आप जो हैं उनके होते हुए डिप्रेशन में हैं, ठीक है ना। आपने अपने हस्बैंड को इतना सर पे सवार कर लिया है कि आपने वो जो आपको सरकार ने जो ड्यूटी दी हुई है उसमें से ही आप नहीं निकल पाते, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, चलो एक चीज़ नहीं बाकी भी डिप्रेशन होता ही तब है। और मैं ये बात सोच रही थी कि डिप्रेशन जो है ना वो इतनी बुरी चीज़ है कि आपकी एक जगह पर सुई फंसी हुई है बस, ठीक है ना, आपकी वो सुई वहाँ फंसी हुई है, आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया, वह रहमतें ही रहमतें हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है, ठीक है ना, आपके पास वो सब कुछ है, लेकिन वो एक चीज़ जिस जिसकी आपकी वो ज़िद्द है, ठीक है ना, वो कहता है ना मैं तुम्हें थका दूँगा, ठीक है, सही बात। तो हम थक रहे हैं फजूल में थक रहे हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर रहे, बेटियों को ही आपने इन्जॉय नहीं किया, ठीक है ना, वो बेटियाँ जो रहमत हैं, ठीक है, आपका भी ध्यान, मैं जब हम दुआ करा रहे होते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई मुझे कह दे ना कि मैं दुआ करा रही थी तो उसने आगे से कहा कि तुम्हारा मसला तो नहीं हल हुआ, ठीक है ना, तो तुम आगे दुआ करा रही हो, तो मुझे ये बात समझ आ जाती है कि इसका अपना भी सवाल है, ठीक है ना, क्योंकि इंसान को बुरी बात वो तब भी लगती है जब वाकई वो उस बात पर ख़ुद स्टैंड नहीं करता, ठीक है ना। मुझे अगर कोई आज कह दे कि तुम खूबसूरत नहीं हो तो मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि नहीं नहीं लेकिन हाँ मतलब फील आप क्यों सोचें, आपका पहले सबसे पहले अपने पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह है, सबसे पहले ये होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारे बच्चे को
को से कोई गर्ज नहीं है कि घर में राशन है या नहीं है, दूध का डब्बा ख़त्म हो गया है या नहीं है, उससे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उसको जो है वो उसी वक्त उसी लम्हे चाहिए, और उसको पता है कि माँ ला देगी या बाप ला लेकर आएगा, ठीक है। इतना यकीन, आज वही वाली बात है कि अपने अपने हम गिरेबान पकड़ के सोचे तो सही कि हमें अल्लाह जी पे कितना यकीन है। मैं सही बात बता रही हूँ, हमें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, ठीक है। और वो यकीन अगर जिस दिन आ जाता है ना, उस दिन आप वाकई वही वाली बात है कि आपको आपको इर्द गिर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जेस्चर क्या दे रहा था, कौन किसी ने आपको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। आप छोड़ें इस बात को, आपने किया, ठीक है, आप छोड़ दें किसी और का थॉट प्रोसेस, ठीक है। आप सोचें कि इतने साल गुजर गए हैं माशाल्लाह शादी को, अभी भी आपके वो मसले हैं जो शादी के शुरू वाले लोगों के मसले होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो वाला थॉट प्रोसेस से आप लोग अभी निकले ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप आज अल्लाह और सरकार की खातर आज से दिन से चलें ये कोशिश कर लें कि हमने सरकार को शक्ल दिखानी है, ठीक है ना। और मैंने मैंने अपना बेस्ट देना है कि सरकार, जब आप इस दुनिया से जाएं तो गिले शिकवों के साथ ना जाएं, सरकार आपको बाहें फैला के जो है वो आपको मिलें और कहें कि वाह क्या परफॉर्मेंस दी है, तुम्हें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन तुमने सबको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अच्छा दुआ कर लेते हैं सब, जैसे जैसे सदक कहेगी वैसे वैसे आप सब ने करना है, ठीक है। आंखें बंद कर लें आप सब, आंखें बंद करके बस अपने आप को अपने अल्लाह के आगे पेश करें। आज भूल जाएं कि कोई और भी है, आप हैं और आपका अल्लाह है। आज अपनी सारी नेकियां, गुनाह, सवाब, आज सारा कुछ उसके आगे रख दें। आज वैसे बने जैसे उसने आपको बनाया था, पहले दिन का बेबी जिसके खाते में कुछ नहीं होता पर फिर भी वो मोमिन होता है। आज अल्लाह जी के आगे बस पेश हो जाएं, आज अपने आप को तोड़ें, अपने आप को तोड़ेंगे ही तो सारे बुत ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। और आज तोहफे में उसकी मखलूक की माफ़ी दे दें। सरकार की खातिर माफ़ कर दें, और अपने गुनाहों पर भी शर्मिंदा हो जाएं। हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, हम मुंह पे तो नहीं बोलते हैं लेकिन अंदर से ख़ुद भी बहुत पूरे होते हैं, हम अंदर से बहुत कुछ बोलते हैं। आज मान जाएं कि जितने भी बुरे हालात में हम अगर हैं तो हम अपने करतूत की वजह से हैं, अल्लाह जी के आगे मानना है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को बताने की। आज अल्लाह के आगे एक्सेप्ट कर लें, और बहुत ही प्यार से बस डूब के उसको अपने दिल में पुकारें, शदीद प्यार से लेकिन दिल ही दिल में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आज उसकी सुने कि वो क्या कहता है,
आंखें खोल दें। दुआ, आपने क्यों आंखें बंद की? जो नए लोग हैं आंटी, उनको पानी दे दीजिएगा। ये सारी दुआ अब आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है? इसी तरह पानी अपने हाथ में पकड़ें, आंखें बंद करें, अल्लाह जी के आगे पेश हों, उसकी मखलूक को माफ़ करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। बस इस तरह दुआ करके पानी पी लें। आपको भी दुआ की ज़रूरत थी अभी, रह गई थे लागे तो रहा है। पोश करो आगे। रोना है। क्या? रोना है। रोना है, माफी दी। अगली बार कोई चीज जो समझ ना आई। इनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं जी। वो बेटा उसके लिए आप ही जिम्मेदार। मैं तो इतने वजीफे पड़े इनके काम के लिए। उसे वजीफे ना ना पढ़ो, इनकी जगह थोड़ा सा प्यार कर लो तो खुद ब खुद सारे फाइनेंशियल ठीक हो जाएंगे। जिस चीज़ों पे आपको गुस्सा है वो गुस्सा ख़त्म कर दो और उनको माफ़ करके दिल से प्यार करो, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जिन जिन के रिस्क के मसले हैं वो सारे बीवियों ने पकड़े होते हैं रिस्क उनके। आपको सारी बात की समझ है? आपको भी समझ आ गई है? आपको समझ है, अब आप मेरे से सिर्फ गुगल मानता अब मुझे ही ना कही जाए ना। तो आपने बेटा, आप ही उनके आपने ही साइन करने हैं तो रिस्क वाले आप साइन कर दो। वजीफे ना ना करें, अल्लाह ने रिस्क रोका ही नहीं हुआ जिसके लिए वजीफे कर रही हैं। अल्लाह ने नहीं रोका हुआ, वो आपको बीच में से गुस्सा आ जाता है। इंसान की सबसे बड़ी क्या और किस चीज़ से इंसान का गला बंद किया जा सकता है? आपका गुस्सा फिर उसी चीज पे निकलता है, फिर वही बंद हो जाता है, रिस्की बंद हो जाता है। समझ रही है? तो दुआ दें, आप दुआ देंगे तो रिस्क ठीक हो जाएगा। शर्तिया बात, अगली दफा आप आए ना यहाँ पे तो हंसती खेलती हैं, खुश खुश आए, ठीक है? और प्यार बन जाए एक दूसरे से, कि आपकी मिसाल लोग आपके इर्द गिर्द वाले मिसाल दें कि भाई ये देखो ना, ये मियाँ बीवी कितने खुशी से रहते हैं और अल्लाह इतना खुश होता है इस बात से। मुझे पता है एक अच्छा घर होंगे, एक प्यार वाला माशरा, एक आने वाली नस्ल प्यार वाली होगी, आप कितनी नस्लें संवार के जाएंगी, ये तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो सरकारें तो आलम ने पत्थर खा के दुआ नहीं देती, दुरुस्ती पड़ती है, शौक से पड़ती होगी। मुझसे ना रोके, मैंने ना मन्नत मानी हुई कम्प्लीट पढ़ना, फिर बंद कर दूंगी। बेटा वो फिर आप दुरुस्ती पढ़ो लेकिन फिर उस पर अमल करो। अमल क्या है दुरुस्ती का? नूरदे खिजरी पढ़ती हूँ। दुरुस्ती का अमल क्या है? उनके अमल पे ही करना है ना, सरकारे आलम का अमल अपनाना है ना। उनका अमल क्या था? प्यार, पत्थर खा के दुआ देना, ठीक है? तो आपसे तो पत्थर खा के दुआ नहीं दी जा रही,
दोनों में से एक काम करो, आपने पढ़ना है तो फिर आप प्यार बन जाओ, जो पढ़ रही है उसके ऊपर अमल करो, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ बंद कर दो, अगर आपको समझ आ रही, बाकी वो आपकी मर्जी है, वो जो आपका अकीदा है, जो भी आपने करना है वो आप करें, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर आपका अमल होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे, अगर आप अमल नहीं बन रहे, आप रहमान की बात करें लेकिन आप रहमान नहीं बन रहे, तो फिर आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे, आप इबादत नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि आप उसे अपोजिट जा रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कि बच्चे को कोई बात कहो कि ऐसे करना है तो वो आपकी वैसे सारी आपको आई लव यू कहता जाता है लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता, ठीक है। तो आप उसको बदतमीज बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। तो आप भी वही कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने बस दुरुशी पढ़ना है लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं करना, मैंने आपकी मखलूक से प्यार नहीं करना, ठीक है। और वो गंदी मंदी मखलूक से प्यार करना मुश्किल होता है ना, अच्छे से तो सारे कर लेते हैं प्यार। माफ़ करने की जो बात है वो किसको माफ़ करना होगा, अल्लाह की मखलूक, जिसको जिसको माफ़ी चाहिए उसी को माफ़ करोगे ना, जिसने कुछ किया ही नहीं उसको कैसे माफ़ करना है, समझ रहे। तो हमेशा मुश्किल काम ही होता है ये, लेकिन आपकी मर्जी है कि आपने करना है या नहीं करना। आपको इतनी लंबी डिटेल में यहाँ पे आज ये सारी एक ही टॉपिक डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो आपको अब तक सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, ठीक है। आप आपके आपके हस्बैंड जो है, आपको समझ आई है बात की, समझ आ गई है, ठीक है, या कोई क्लैरिटी अभी भी रह गई है, ठीक है। अभी दुआ करके क्या महसूस हुआ है, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो गए हो, ठीक है। मैम इंसान से हो जाती है लेकिन बार बंदा जब एडमिट करे तो फिर बार बार उसको जड़ दिया जाए तो फिर वो सुबरे महसूस होता है। चलिए कोई बात नहीं है, देखे ना, अगर आपने गलती कर ली है, अब अगले की मर्जी है ना, वो कब राजी होता है। आपने गलती करते हुए इजाजत तो नहीं थी ली, नहीं ली थी ना, अब उसकी मर्जी है, वो कब मानता है। आपने अपनी मर्जी की ना गलती करते हुए, तो थोड़ा सा अगले को भी टाइम दे दे, बैलेंस है ना, आप देखें ना कि आप दोनों ने अब कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, समझ रहे इस बात को। तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप हिम्मत करें, थोड़ी वो हिम्मत करें, तो मिलके अच्छा घर बन जाएगा, ठीक है ना। आप भी ना ऑफेंड हुआ करें, ठीक है, कोशिश जारी रखें। ये इंसल्टिंग मजाक बड़ा करते हैं, मुझे इस पे गुस्सा चढ़ जाता है। वो वैसे प्यार से करता होगा, नहीं टीज करने की आदत होती है। हाँ, टीज करते हैं जिससे मैं चिढ़ती हूँ, फिर प्यार से करते हैं लोग। मैं आपको पहले बता दिया कि वो प्यार से करते होंगे, क्योंकि ये एक का मसला नहीं है, ये भी काफी लोगों के मसाइल है। कुछ लोगों की आदत होती है वो टीज करते हैं, वो इस तरह का मजाक करते हैं, ये जो अभी बाजी बोल रही थी इसकी भी आदत है। टीज करके खुश होती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि दूसरा बंदा बड़ा मना रहा है, मुझे पता ही नहीं लगता। बहुत सालों बाद पता चलता है कि जो मैं मजाक कर रही थी वो दूसरे ने मजाक में ले ही नहीं। तो एक बंदा जब बार बार कह रहा मैं इसे चिढ़ती हूँ तो बंदा वो ना करे, आपको कि मेरी नीयत नहीं होती है। और हमें पता भी नहीं होता, हम तो प्यार से मजाक कर रहे थे, वो भी प्यार था बेचारों आपने गलत ले लिया, ठीक है, समझ रही है। तो जरूरी नहीं है ना, मैंने आपको कहा था कि बेटा खुदा नहीं बनते ना, हमें लोगों की नीयतों का तो नहीं पता ना, सही है। तो अगर अगले की नीयत सिर्फ मजाक की हो तो मजाक की इजाजत तो होनी चाहिए ना। अच्छा वो घर अच्छा होता है, खुशहाल घराना होता है जिस घर में मजाक होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आप बचपन से, हम बहन भाई भी तो आपस में एक दूसरे की टांग ऐसी खींचते होते थे। इसके अलावा और शुगल है क्या, मुझे बताओ, सीरियस लाइफ गुजारनी है क्या, बैठ के मूवियाँ देख लें एक दूसरे के साथ में, क्या कौन से शुगल लगाएं, मुझे बता कौन से शुगल होता है। तो ये शुगल होता है, ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा अच्छा रिलेशन होता है मियां बीवी का। अगर आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कभी आपने उसको बात लगा दी, कभी उसने आपको बात लगा दी, लेकिन उसको बस मजाक रखें बस, ठीक है, आप उसमें हंसा करें आगे से। अगर आपको लगता है ना आपको टीज करते हैं, आप उसमें हंसा करें। जिस दिन आप टीज होना छोड़ देंगे ना, यकीन करें वो टीज करना छोड़ देंगे। वो करे ही ना, करे ही ना, ये तो फिर अब वो वाली ना करने वाली बात ही होगी, मैं इंतजार ही समझू। कुछ आपने भी करना है, ये सारी दुनिया ही करेगी, थोड़ा बहुत आप भी कर लें।
कुछ आप अपने आप को चेंज कर लें, कुछ वो अपने आप को चेंज कर लें, क्योंकि उनको भी समझ आ रही है सारी की बात। मैं आपसे नहीं कर रही हूँ, उनसे भी कर रही हूँ, उनको भी समझ में आ गई। आप अपनी अपनी जगह पे दोनों शर्मिंदा हो गए, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी गलतियाँ माने, दोनों एक्सेप्ट करें, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को मनवाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। उनका हिसाब आपने नहीं देना तो आपका हिसाब उन्होंने देना, फायदा कोई नहीं है। आप मेरे सामने या इस भरी महफिल के सामने भी एक दूसरे को गलत साबित कर भी देंगे तो क्या फायदा। बाय द एंड घर जाके आपने अपनी गलतियां खुद ठीक करनी, उन्होंने अपनी गलतियां खुद ठीक करनी। तो अपनी अपनी जात में अपने रब के साथ ईमानदारी से पेश होके दोबारा 7 दिन सूरह रहमान सुने, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, ईमानदारी से रब के सामने सरेंडर करें, ठीक है, और अपनी अपनी गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगे जहाँ जहाँ पर हुई है, और ईमानदारी से दोबारा ये रिश्ता निभाए, ठीक है, जैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कहा है। समझ में आई ये बात? की उस ईमानदारी से, खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से निभाएं, ठीक है, और अपनी अपनी जगह पे अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। और जब कोई इम्प्रूव होने की कोशिश करता है तो ये बात याद रखें, ये कमजरफी की अलामत होती है। जब आप उसको कहते हैं कि ओ हो अब बदले, शुक्र करें जब वो बदल गए, क्योंकि बाहर हाल ये आपकी ही दुआ थी कि वो बदले, समझ रहे हैं ना। तो ये आप रब की स्कीम के ऊपर सवाल करते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बदले तो अब क्यों बदले, उसको भी तो बदला रब ने है ना, तो रब ने वक्त ये लिखा हुआ था बदलने के लिए। आप रब से इस बात पे लड़ेंगे कि मेरे वक्त पे क्यों नहीं बदला, ये फिर आपकी रब से लड़ाई है, उस इंसान से नहीं है, समझ रही है। तो बाहर हर रब को बीच में से ना निकाला करे, जो कुछ हो रहा है ये उसकी मर्जी से हो रहा है, उसको रब मान ले और खुद पीछे हट जाए, ठीक है। आसान तरीका ये कि अपने हाथ खड़े किया करें और रब को कहें कि आप चलाएं, आप करें जो करना है, मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। वो औलाद भी दे देगा, सारे मसले भी हल कर देगा, लेकिन पहले अपना होमवर्क पूरा करें, ठीक है। होमवर्क की समझ अब आ गई है मेरे ख्याल में, अब तो बाकी सबको भी आ गई है, ठीक है, जिनको नहीं कहा वो भी करके आइए। बस प्यार सूरज जब सुननी है तो जो इन्होंने आँखें बंद करके कहलवाया वही कहना अपने आप। बस आपको वो कॉन्सेप्ट उन्होंने एक तरीका बताया, समझाया है। आपके दिल में उस टाइम एक आपको एक बस एक आइडिया दिया है कि आंखें बंद करनी है, आपने अपनी भी गलतियों की शर्मिंदा होना है, आपने लोगों को भी माफ़ करना है, और बस प्यार से दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के बंद आँखों से पानी पी लेना, ठीक है। बाकी सूरज सुनते हुए आपका ध्यान पूरे का पूरा अपने रब की तरफ, उसकी रहमानियत की तरफ, ठीक है, उससे तौफीक मांगे कि वो आपको माफ़ करने की भी तौफीक दे, वो आपको हिम्मत दे दे, ठीक है। और आप उन्होंने कहा ना सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक है, तो सोचे तो सही कि अगर वो अगर उन्होंने आखिर में आपको कह दिया कि तुम एक बंदा नहीं माफ़ कर सके मेरी खातिर, उससे प्यार नहीं कर सकी, अगर वही आपको चले जी सबको ज़्यारत होती है, अगर वही ख्वाब में आके आपको कह दे कि किसी से प्यार करना है, फिर हो सकता है ना, ठीक है, प्यार बढ़ो आपको, आप अब जवाब मिल जाएगा।